अजय देवगन ने शैतान के टीजर के साथ दी चेतावनी, बात नहीं मानी तो घट सकती है ऐसी घटना। अजय देवगन 2024 में अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट का फुल डोज देने वाले हैं। सिंघम अगेन से लेकर रेड 2 और मैदान जैसी उनकी कई बड़ी फिल्मों का फैंस स्क्रीन पर आने का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। इस लिस्ट में उनकी एक और फिल्म शामिल हो गई है जिसका टाइटल है शैतान। बड़े पर्दे पर अपना दमदार एक्शन और कॉमेडी दिखा चुके बॉलीवुड सुपरस्टार शैतानी शक्तियों से अपने परिवार के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। शैतान के दो पोस्टर्स के बाद इसकी पहली झलक का इंतजार कर रहे फैंस का अब इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि उनकी फिल्म का रोंगटे खड़े करने वाला टीजर फाइनली दर्शकों के सामने आ चुका है। हालांकि शैतान के इस धमाकेदार टीजर के साथ ही अजय देवगन ने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। अजय देवगन के साथ इस सुपरनेचुरल थ्रिलर में पहली बार आर माधवन और साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका की जोड़ी फैंस को देखने को मिलेगी। शैतान का 1 मिनट 29 सेकेंड का ये डराने वाली टीजर आपके रोंगटे तो खड़े कर ही देगा, लेकिन इसे देखने के बाद निश्चित तौर से आप अपनी कुर्सी पर कसकर बैठे रहेंगे। अजय देवगन आर माधवन की टीजर की शुरुआत होती है एक राक्षस की मूर्ति के साथ, जिसमें पीछे वॉइस ओवर चलता है जिसमें शैतान कहता है, कहते हैं ये पूरी दुनिया बहरी है लेकिन सुनती सिर्फ मेरी है। काले से भी काला में, बहकाने का प्याला में, तंत्र से लेकर श्लोक का मालिक हूँ मैं 9 लोक का। इसी के साथ टीजर आगे बढ़ता है और उसमें आर माधवन द्वारा पढ़ी गई तंत्र क्रिया किस तरह से अजय देवगन और एक धार्मिक परिवार की जिंदगी में भूचाल ले आती है ये दर्शाया गया है। एक छोटा सा टीजर निश्चित तौर पर आपको इस फिल्म को थिएटर की तरफ जरूर खींच कर लाएगा। सुपर नेचुरल फिल्म शैतान के इस टीजर के साथ ही अजय देवगन ने अपने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, वो पूछेगा तुमसे एक खेल खेलोगे पर उसके बहकावे में मत आना। आपको बता दें कि अजय देवगन और आर माधवन के बीच अच्छाई और बुराई की लड़ाई देखने को फैंस को मिलेगी। फिल्म के निर्देशन की कमान विकास बहल ने संभाली है। ये मूवी 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। शैतान के चंगुल से अपनी बेटी को छुड़ाने आ रहे अजय देवगन आर माधवन से होगा सामना। ट्रेलर देख डर से छूट जाएंगे पसीने। एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म शैतान को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। फिल्म के पोस्टर रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त बस था और आज मेकर्स ने ऑडियंस के उत्साह को बढ़ाते हुए फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। खौफ से भरा शैतान का ट्रेलर देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजय देवगन ज्योतिका की इस फिल्म में आर माधवन शैतान का किरदार निभाने वाले है। फिल्म के ट्रेलर से काफी हद तक फिल्म की कहानी का खुलासा हो जाता है। शैतान यानी आर माधवन अजय देवगन के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और फिर वो उनके परिवार पर कहर बरपाते हैं। आर माधवन अजय देवगन की बेटी जानवी को वशीकरण की मदद से अपने काबू में कर लेते हैं। अब अजय देवगन और ज्योतिका की बेटी बिना सोचे समझे आर माधवन के इशारे पर हर वो चीज करने के लिए तैयार रहती है जो शैतान उससे कहता है। शैतान कृष्णदेव यंगिक द्वारा निर्देशित गुजराती हॉरर थ्रिलर वर्ष की अधिकारी हिंदी रीमेक है। अहमदाबाद के एक पायलट अथर्व अपनी पत्नी बीना और अपने दो बच्चों आर्या और अंश के साथ रहते हैं। ये एक दूर दराज के गांव में छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति प्रताप से होती है जो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। प्रताप मदद की पेशकश करता है लेकिन वो अथर्व के परिवार को फंसाने के लिए काला जादू का इस्तेमाल करता है और अथर्व अपने परिवार को बचाने के लिए काला जादू तोड़ने की कोशिश करता है। विकास बहल के निर्देशन में बनी ये फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से ज्योतिका काफी लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है।
दुनिया देख रखी है, तो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अजय जी ने कहा, उनके साथ समझौता करके, समझा के, उनके साथ मतलब थोड़ा रीजनेबल होके हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वरना फोर्स तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे बात करते हैं वशीकरण की, तो हमने देखा हमारे इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी चीज़ें जहाँ पर कुछ चीज़ें होती है, वी बिलीव इन लॉट्स ऑफ थिंग, लाइक वी गो टू द एस्ट्रोलॉजर्स। तो आई थिंक सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, सारी दुनिया में होती है। हाँ, दुनिया में। हाँ, तो फिल्म इंडस्ट्री का छप जाता है थोड़ा। हाँ, बाकी तो हर जगह होती है। तो कभी इस तरह से यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ, पहले बीच में बंगाली बाबाज बहुत होते थे, वशीकरण की बातें करते थे, तो कभी इस तरह से कोई कुछ चीजें हुई, या अल्टीमेटली इज देयर अ मैसेज आल्सो, लाइक अ स्ट्रांग मैसेज यू नो ट्राई टू गिव थ्रू द फिल्म, दिस इज ये चीज सही है गलत है? गलत तो सबको पता है कि ये गलत है, उसमें कोई मैसेज देने की ज़रूरत ही नहीं किसी को। लेकिन जो कोशिश करते करने की, आई एम नॉट सेइंग कि वो कामयाब होते होंगे, लेकिन जो कोशिश करते करने की वो कोशिश तो करते ही हैं। तो फिल्म के मैसेज की बात नहीं है, बट मैसेज जैसे हर फिल्म में होता है, इस फिल्म में भी है कि इवेंचुअली द गुड विंस, और जो शैतान की हार तो होनी है कभी ना कभी। हाय, Hi, this is Vinita from India.com Z Media. You know, my question is to all of you, in fact, that Ajay sir, aapne bola that you have had experiences, and you know, even if you haven't had experiences, what is the first thing that you should actually do if you experience something spooky out there? Yeah, like, you know, I think you should be mentally and physically, mentally strong, yeah, and internally strong, because what I believe is that if you weaken from the inside, the other person can overpower you. Yeah. So if your brain is strong enough, then I don't think anything can harm you. Yeah. To the little kid out there who's actually not being the kid anymore, aapke liye film kitna emotionally difficult tha? Because you know, it is a film that might take a toll on your mental health, you know, probably. And what were the exercises that you actually do to get into this character and not let this affect you? कुछ नहीं, वो हंसते हंसते खेलते शॉट देता था, बाद में नॉर्मल भी हो जाता था, भूल जाता था। बिल्कुल। That's fantastic. We'll take two more questions, okay? Hi, Samir here from Movie Talkies. Hi, in the middle, in the left middle. Yeah, here. Hi, I have a common question for Ajay and Maddie sir. So the question is, you know, since we know like Ajay sir is playing the hero and you are playing the antagonist, that Shaitan. But like in during the pre-production stage or something, have you guys like thought about swapping the roles? Like it's been a while, like Ajay sir haven't played the antagonist. When we started shooting, Maddie said the first thing he told me is, why aren't you doing this role? Yeah. Why have you given it to me? So I told him that I really feel for the character, the father. So I will not be able to do justice to the other character. It's a much stronger character though. But you know, where the character I connect with, I wanted to play that. So now I'm going to make a very, very important statement actually. I have been in the industry long enough to know that I have been a huge fan of Ajay sir's work. I've not had much time to interact with him before this movie. And I have really seen him act, and I've been a huge fan of the way he emotes subtly and does the kind of roles that he does. And you know, even during the publicity, doesn't take any credit, walks away and keeps doing his work. But now I can tell you that if there's any singam, the real singam in the industry, it is this man over here, who I've become a huge fan of. Wow. I'll tell you why. The film is over. I have nothing to gain by this, but I did ask him that question, ki bhai aap ye role kyun nahi kar rahe ho, kyunki sabse masala wala role to inka hai. Unhone jo jawab diya tha wahi hai. पर जब हमने ये फिल्म शूट की थी ना, उस वक्त हमने टाइटल नहीं डिसाइड किया था। इट वाज वंडरफुल शूटिंग विद विकास सर एंड अपने द प्रोड्यूसर साहब। मैं हमेशा पूछता था कि फिल्म की टाइटल क्या है, और उस वक्त फिल्म का टाइटल शैतान नहीं था। सो मुझे नहीं पता था कि इस कैरेक्टर का कितना इंपॉर्टेंस होगा। जो हमने पहले फिल्म में देख रखी थी वो विलन था, पर आपने उसका टीजर देखा होगा, पूरा टीजर इन्होंने बनाया है अबाउट शैतान, विच इज़ माई कैरेक्टर। अब आज मैंने ये ट्रेलर देखा, इसमें भी मतलब पूरा हाईलाइट उन्होंने शैतान को किया है। मुझे लगता है एक शेर दिल और जिगर और एक मैच्योरिटी और इंडस्ट्री के साथ और अपने काम के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार होना चाहिए किसी को, कि ऐसा कोई उठा के लड्डू किसी और आर्टिस्ट को दे दे। एंड फॉर दैट आई एम कम्प्लीटली माइंड ब्लोन। मैंने थोड़े बहुत कोशिशें की हैं अपनी फिल्में करने के लिए, पर इतना बड़ा प्रोड्यूसर भी यही है, डायरेक्टर भी यही है, मतलब यू नो कहानी भी इन्होंने चुना है, कास्टिंग भी इन्होंने की,
और इतना बड़ा रोल उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया. आई मीन आई ओनली होप एंड प्रे कि आई कैन प्ले आई कैन डू जस्टिस टू द काइंडनेस दैट हैज बीन शोन टू मी बाय अजय सर एंड हिज टीम एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल सर. थैंक यू सो मच. अजय जी, शैतान को बनाने में तकरीबन कितने पैसे लगे होंगे? कुछ शैतान ही आके आपको बताएगा. कौन है भाई ये पैसे वाला? कहाँ से आया ये सवाल? गिन के बताता हूँ. अरुण भाई, तुम्हारा कमाने वाला उससे बहुत कम. ओके, वील टेक वन मोर क्वेश्चन. हाय, कांग्रेचुलेशंस ऑन द ट्रेलर, इट लुक्स अमेजिंग. माय क्वेश्चन इज फॉर विकास सर. सर, वी हैव नोन यू फॉर डायरेक्टिंग drama, comedy, basically slice of life films like Queen and Super 30. And switching from that genre to the psychological thriller genre, I mean, execution-wise, bahut changes hote hain about the shot-taking, edit. So what were your challenges being the captain of this ship? So honestly, I love the fact that I'm nervous when I'm starting the next film. And that nervousness comes a lot from the fact that I've not done the genre before. Nervousness can come when you've done the genre before also, but it's much more when you walk into this world, and it is a world. This genre is a world of its own. It has its own audience, it has its own directors, music, everything. So honestly, when we reached London, me and my AD team, we sat down and I told everybody, main ek baat bolu, mujhe film banani aati nahi hai. Theek hai? So what we'll do for the next 10 days, we will sit every day and we will learn how to make a film like this. So we used to sit and we used to watch YouTube videos. We used to read interviews of other directors. We used to look at camera work. So we actually took ourselves back to almost like tuition classes. And I remember one day we were watching Shining as one of the examples to watch. We watched Shining and after that the team left. And I went out to say bye to them and there was a long corridor over there. And I saw that corridor, I said, what have I done to myself by watching Shining and now going back to the room? But I think our as just storytellers, it's just a great challenge to try new things and keep stay nervous all the time and hopefully qualify in different genres so it opens up your world of storytelling. Thank you. Yeah, one last question. Jyotika, you did Jyotika here. You did Doli Sajake Rakhna with Priya Darshan. Even years culture in a Hindi film le pandranga yang. That sounded really bad in Tamil. It sounded vulgar a little bit. Can you answer my question, please? I think it should be 25 years. 25 years, yeah. Why after so many years? I got very busy in South and phir I mean, I just got diverted and then waiting for something really special. I think at this stage, you only want different work. So this was very challenging. But I must tell you, the first shot we took of Jyotika, we were all sitting there and we said, what a loss for 20 years for all of us. How could we not have her around us for 20 years? And now we're going to make up for it. And Vikas ji, aapne isme Ram se jaisi billi ki awaaz aur ghanti ki awaaz nahi rakhi hai. वो तो मेरी निकल रही थी. मैं कैमरा के पीछे बैठ के मेरी घंटी बज रही थी. बट इट्स नॉट दैट जोन. इट्स वेरी वेरी रियल. लाइक अजय सेड, हाउ वी एवरी डे पुट नींबू मिर्ची, काला टीका, धागा, ऑल ऑफ दैट. व्हाट डू वी डू? वी डू दैट टू प्रिवेंट बिकॉज वी बिलीव दिस हैपन्स. सो इट्स इन अ वेरी वेरी रियल स्पेस एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो घंटी एंड देयर इज नो स्क्वीकी साउंड. Hi guys, good afternoon. Here in center. I'm Bhavneet from ABP Sanjha Punjab. So, इतने सालों से हम आप लोगों को काम करते देखते आ रहे हैं. आज इस ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज़ लगी कि एक्टर्स एक ऐसी चीज़ है जिनको जितना भी खाली कर दो उसके बाद वो फिर भर के सरप्राइज कर सकते हैं, राइट? और ये मैं जानना चाहूँगा, आप तीनों एक्टर्स को हमने इतना काम करते देखा है, इस फिल्म के दौरान ऐसा कौन सा मोमेंट आया जब आपके को एक्टर ने आपको सरप्राइज कर दिया, बोला अरे बाबा रे ये भी कर सकता है? क्योंकि कहते हैं जब एक आर्टिस्ट को दूसरा आर्टिस्ट सरप्राइज करता है वो उस आर्टिस्ट के लिए बड़ा स्पेशल मोमेंट होता है. मैं वो जानना चाहूँगा आप लोगों से, प्लीज़ एक एक करके. अजय सर, माधवन जी एंड ज्योतिका मैम, प्लीज़. आई थिंक इन दोनों ने तो मुझे सरप्राइज नहीं किया, क्योंकि ये जो कर रहे थे मैं एक्सपेक्ट करता था कि इतने अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो इसलिए हम सबको कास्ट भी किया गया था एक्चुअली. सो आई रियली डोंट नो. मेरे लिए आई थिंक जानकी
एंड ज्योतिका दोनों, मतलब अजय जी तो स्टॉलवर्ट हैं पर जितना जितना छूट देके वो बाकी एक्टर के साथ काम करते हैं वो देखकर मैं अपने आप वो अपनाना चाहता हूँ। पर इन दोनों ने, एक तो ज्योतिका का जो एबिलिटी है टू डू एक्शन, वो देख के मैं हैरान हो गया। मतलब मैं कह रहा हूँ पागल बिल्ली तो कम पड़ेगी, ये अलग ही किस्म की एक्शन दे रहा हूँ एकदम लिटरली। और जानकी की खासियत ये है कि ये पहले कर चुकी हैं, फिर भी जो सिंसियरिटी और जो हार्डवर्क और जो कमिटमेंट के साथ इन्होंने रोल निभाया, क्योंकि उनका रोल निभाना आसान नहीं था बिकॉज फिजिकली वेरी वेरी डिमांडिंग, उन्होंने जो कमिटमेंट दिखाई है इसके लिए इट इज़ क्वाइट एग्जेम्पलरी एंड नॉट सीन फ्रॉम न्यू एक्टर्स। आई गॉट अ ग्रेट होप फॉर हर फ्यूचर। थैंक यू सर। सर द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर मी वॉज सीइंग अजय द वे ही कंडक्टेड हिमसेल्फ ऑल थ्रू द शूट। मैंने बहुत सारे हीरोज़ के साथ काम किया है, ऑलमोस्ट ऑल डाउन साउथ, और रिसेंटली मेरी लास्ट फिल्म ममूटी सर के साथ थी, और अब इस फिल्म में भी अजय के साथ। आई हैव जस्ट लर्नड वन थिंग आफ्टर सो मेनी ईयर्स कि हाउ यू जस्ट गिव अवे। उन्होंने बहुत बहुत आई मीन सेल्फलेसली ये पिक्चर की है एंड ही इज जस्ट गिव, इवन पोस्टर में आई डोंट नो मैं व्हेन आई डू अ फिल्म इन साउथ ऑल्सो विथ माई हीरोज कौन इतना पोस्टर में डालता है। मतलब इट्स बिन अ प्लेजर टू वॉच ममूटी सर एंड अजय एंड टू सी सच स्टॉल, दीज आर द रियल स्टॉलवर्ड्स ऑफ सिनेमा आई फील। यू नो लेते तो सब है, देना बहुत आई थिंक रेयर है, तो दे आर गिविंग बैक टू सिनेमा, आई थिंक दैट्स ग्रेट। एंड ऑफकोर्स मैडी एंड मी, हम 20 साल के बाद पिक्चर वापस कर रहे हैं, तो इट आई थिंक इट्स अ ग्रोथ फॉर एन एक्टर कि आप हीरो हीरोइन के बाद जब आप एक किरदार में एक परफॉर्मेंस देते हो, आई थिंक दैट दैट शोज दैट मेक्स अस फील देयर इज अ डिफरेंट रिलेशनशिप ऑल टुगेदर। 20 साल बाद जब मैंने इनको बाहों में लिया था, दोनों इमोशंस टोटली डिफरेंट थे। और ऑफकोर्स आई डोंट हैव टू से अबाउट द किड्स, लाइक जानकी तो इज द हीरो ऑफ द फिल्म एंड बोथ ऑफ देम वर, इट वॉज आई कांट से कॉम्पिटिशन भी था, हम सब अपने रोल में इतना बैठ गए थे कि इट फेल्ट लाइक अ फैमिली। आई थिंक पिक्चर भी 25-30 दिन में खत्म हो गई बिकॉज वी वर ऑल जस्ट फ्लोइंग विद इट। सो आई थिंक सभी का इम्पैक्ट इस पे कुमार जी, एंड थैंक यू फॉर कास्टिंग मी। मतलब मैं इतनी बार सबको थैंक्स बोल चुकी हूँ, क्योंकि फॉर मी टू कम बैक टू बॉलीवुड एंड गेट दिस काइंड ऑफ कम बैक, इट्स फील्स वेरी स्पेशल। Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you. Before we wrap up the afternoon, we have some very important people. Jinko main yahan bula raha hu ek final photo op ke liye. And we'll start with the writer of this film, Amil Kian ji ke liye. Ajay Devgan ne Shaitan ke teaser ke saath di chetavni. Baat nahi mani to ghat sakti hai aisi ghatna. Ajay Devgan 2024 mein apne darshakon ko entertainment ka फुल डोज देने वाले हैं। सिंगम अगेन से लेकर रेड 2 और मैदान जैसी उनकी कई बड़ी फिल्मों का फैंस स्क्रीन पर आने का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। इस लिस्ट में उनकी एक और फिल्म शामिल हो गई है जिसका टाइटल है शैतान। बड़े पर्दे पर अपना दमदार एक्शन और कॉमेडी दिखा चुके बॉलीवुड सुपरस्टार शैतानी शक्तियों से अपने परिवार के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। शैतान के दो पोस्टर्स के बाद इसकी पहली झलक का इंतजार कर रहे फैंस का अब इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि उनके फिल्म का रोंगटे खड़े करने वाला टीजर फाइनली दर्शकों के सामने आ चुका है। हालांकि शैतान के इस धमाकेदार टीजर के साथ ही अजय देवगन ने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। अजय देवगन के साथ इस सुपरनैचुरल थ्रिलर में पहली बार आर माधवन और साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका की जोड़ी फैंस को देखने को मिलेगी। शैतान का 1 मिनट 29 सेकेंड का ये डराने वाली टीजर आपके रोंगटे तो खड़े कर ही देगा, लेकिन इसे देखने के बाद निश्चित तौर से आप अपनी कुर्सी पर कसकर बैठे रहेंगे। अजय देवगन आर माधवन की टीजर की शुरुआत होती है एक राक्षस की मूर्ति के साथ, जिसमें पीछे वॉइस ओवर चलता है जिसमें शैतान कहता है, कहते हैं ये पूरी दुनिया बहरी है लेकिन सुनती सिर्फ मेरी है, काले से भी काला में बहकाने का प्याला में, तंत्र से लेकर श्लोक का मालिक हूँ मैं 9 लोक का। इसी के साथ टीजर आगे बढ़ता है और उसमें आर माधवन द्वारा पढ़ी गई तंत्र क्रिया किस तरह से अजय देवगन और एक धार्मिक परिवार की जिंदगी में भूचाल ले आती है ये दर्शाया गया है। एक छोटा सा टीजर निश्चित तौर पर आपको इस फिल्म को थिएटर की तरफ जरूर खींच कर लाएगा। सुपर नेचुरल फिल्म शैतान के इस टीजर के साथ ही अजय देवगन ने अपने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा,
वो पूछेगा तुमसे, एक खेल खेलोगे, पर उसके बहकावे में मत आना। आपको बता दे कि अजय देवगन और आर माधवन के बीच अच्छाई और बुराई की लड़ाई देखने को फैंस को मिलेगी। फिल्म के निर्देशन की कमान विकास बहल ने संभाली है। ये मूवी 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। शैतान के चंगुल से अपनी बेटी को छुड़ाने आ रहे अजय देवगन आर माधवन से होगा सामना। ट्रेलर देख डर से छूट जाएंगे पसीने। एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म शैतान को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। फिल्म के पोस्टर रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त बस था और आज मेकर्स ने ऑडियंस के उत्साह को बढ़ाते हुए फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। खौफ से भरा शैतान का ट्रेलर देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजय देवगन ज्योतिका की इस फिल्म में आर माधवन शैतान का किरदार निभाने वाले हैं। फिल्म के ट्रेलर से काफी हद तक फिल्म की कहानी का खुलासा हो जाता है। शैतान यानी आर माधवन अजय देवगन के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और फिर वो उनके परिवार पर कहर बरपाते हैं। आर माधवन अजय देवगन की बेटी जानवी को वशीकरण की मदद से अपने काबू में कर लेते हैं। अब अजय देवगन और ज्योतिका की बेटी बिना सोचे समझे आर माधवन के इशारे पर हर वो चीज करने के लिए तैयार रहती है जो शैतान उससे कहता है। शैतान कृष्णदेव यंगिक द्वारा निर्देशित गुजराती हॉरर थ्रिलर वर्ष की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। अहमदाबाद के एक पायलट अथर्व अपनी पत्नी बीना और अपने दो बच्चों आर्या और अंश के साथ रहते हैं। ये एक दूर दराज के गांव में छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति प्रताप से होती है जो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। प्रताप मदद की पेशकश करता है लेकिन वो अथर्व के परिवार को फंसाने के लिए काला जादू का इस्तेमाल करता है और अथर्व अपने परिवार को बचाने के लिए काला जादू तोड़ने की कोशिश करता है। विकास बहल के निर्देशन में बनी ये फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से ज्योतिका काफी लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है। अजय देवगन ने शैतान के टीजर के साथ दी चेतावनी, बात नहीं मानी तो घट सकती है ऐसी घटना। अजय देवगन 2024 में अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट का फुल डोज देने वाले हैं। सिंघम अगेन से लेकर रेड 2 और मैदान जैसी उनकी कई बड़ी फिल्मों का फैंस स्क्रीन पर आने का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। इस लिस्ट में उनकी एक और फिल्म शामिल हो गई है जिसका टाइटल है शैतान। बड़े पर्दे पर अपना दमदार एक्शन और कॉमेडी दिखा चुके बॉलीवुड सुपरस्टार शैतानी शक्तियों से अपने परिवार के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। शैतान के दो पोस्टर्स के बाद इसकी पहली झलक का इंतजार कर रहे फैंस का अब इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि उनके फिल्म का रोंगटे खड़े करने वाला टीजर फाइनली दर्शकों के सामने आ चुका है। हालांकि शैतान के इस धमाकेदार टीजर के साथ ही अजय देवगन ने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। अजय देवगन के साथ इस सुपरनेचुरल थ्रिलर में पहली बार आर माधवन और साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका की जोड़ी फैंस को देखने को मिलेगी। शैतान का 1 मिनट 29 सेकेंड का ये डराने वाली टीजर आपके रोंगटे तो खड़े कर ही देगा लेकिन इसे देखने के बाद निश्चित तौर से आप अपनी कुर्सी पर कसकर बैठे रहेंगे। अजय देवगन आर माधवन की टीजर की शुरुआत होती है एक राक्षस की मूर्ति के साथ जिसमें पीछे वॉइस ओवर चलता है जिसमें शैतान कहता है, कहते हैं ये पूरी दुनिया बहरी है लेकिन सुनती सिर्फ मेरी है। काले से भी काला में बहकाने का प्याला में तंत्र से लेकर श्लोक का मालिक हूँ मैं 9 लोक का। इसी के साथ टीजर आगे बढ़ता है और उसमें आर माधवन द्वारा पढ़ी गई तंत्र क्रिया किस तरह से अजय देवगन और एक धार्मिक परिवार की जिंदगी में भूचाल ले आती है ये दर्शाया गया है। एक छोटा सा टीजर निश्चित तौर पर आपको इस फिल्म को थिएटर की तरफ जरूर खींच कर लाएगा। सुपरनेचुरल फिल्म शैतान के इस टीजर के साथ ही अजय देवगन ने अपने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, वो पूछेगा तुमसे, एक खेल खेलोगे, पर उसके बहकावे में मत आना। आपको बता दे कि अजय देवगन और आर माधवन के बीच अच्छाई और बुराई की लड़ाई देखने को फैंस को मिलेगी। फिल्म के निर्देशन की कमान विकास बहल ने संभाली है। ये मूवी 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। शैतान के चंगुल से अपनी बेटी को छुड़ाने आ रहे अजय देवगन आर माधवन से होगा सामना। ट्रेलर देख डर से छूट जाएंगे पसीने। एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म
शैतान को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। फिल्म के पोस्टर रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त बज़ था और आज मेकर्स ने ऑडियंस के उत्साह को बढ़ाते हुए फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। खौफ से भरा शैतान का ट्रेलर देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजय देवगन ज्योतिका की इस फिल्म में आर माधवन शैतान का किरदार निभाने वाले हैं। फिल्म के ट्रेलर से काफी हद तक फिल्म की कहानी का खुलासा हो जाता है। शैतान यानी आर माधवन अजय देवगन के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और फिर वो उनके परिवार पर कहर बरपाते हैं। आर माधवन अजय देवगन की बेटी जानवी को वशीकरण की मदद से अपने काबू में कर लेते हैं। अब अजय देवगन और ज्योतिका की बेटी बिना सोचे समझे आर माधवन के इशारे पर हर वो चीज करने के लिए तैयार रहती है जो शैतान उससे कहता है। शैतान कृष्णदेव यंगिक द्वारा निर्देशित गुजराती हॉरर थ्रिलर वर्ष की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। अहमदाबाद के एक पायलट अथर्व अपनी पत्नी बीना और अपने दो बच्चों आर्या और अंश के साथ रहते हैं। ये एक दूर दराज के गांव में छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति प्रताप से होती है जो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। प्रताप मदद की पेशकश करता है लेकिन वो अथर्व के परिवार को फंसाने के लिए काला जादू का इस्तेमाल करता है और अथर्व अपने परिवार को बचाने के लिए काला जादू तोड़ने की कोशिश करता है। विकास बहल के निर्देशन में बनी ये फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से ज्योतिका काफी लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है। अजय देवगन ने शैतान के टीजर के साथ दी चेतावनी, बात नहीं मानी तो घट सकती है ऐसी घटना। अजय देवगन 2024 में अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट का फुल डोज देने वाले हैं। सिंघम अगेन से लेकर रेड 2 और मैदान जैसी उनकी कई बड़ी फिल्मों का फैंस स्क्रीन पर आने का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। इस लिस्ट में उनकी एक और फिल्म शामिल हो गई है जिसका टाइटल है शैतान। बड़े पर्दे पर अपना दमदार एक्शन और कॉमेडी दिखा चुके बॉलीवुड सुपरस्टार शैतानी शक्तियों से अपने परिवार के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। शैतान के दो पोस्टर्स के बाद इसकी पहली झलक का इंतजार कर रहे फैंस का अब इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि उनके फिल्म का रोंगटे खड़े करने वाला टीजर फाइनली दर्शकों के सामने आ चुका है। हालांकि शैतान के इस धमाकेदार टीजर के साथ ही अजय देवगन ने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। अजय देवगन के साथ इस सुपरनेचुरल थ्रिलर में पहली बार आर माधवन और साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका की जोड़ी फैंस को देखने को मिलेगी। शैतान का 1 मिनट 29 सेकेंड का ये डराने वाली टीजर आपके रोंगटे तो खड़े कर ही देगा लेकिन इसे देखने के बाद निश्चित तौर से आप अपनी कुर्सी पर कसकर बैठे रहेंगे। अजय देवगन आर माधवन की टीजर की शुरुआत होती है एक राक्षस की मूर्ति के साथ जिसमें पीछे वॉइस ओवर चलता है जिसमें शैतान कहता है, कहते हैं ये पूरी दुनिया बहरी है लेकिन सुनती सिर्फ मेरी है। काले से भी काला में बहकाने का प्याला में तंत्र से लेकर श्लोक का मालिक हूँ मैं 9 लोक का। इसी के साथ टीजर आगे बढ़ता है और उसमें आर माधवन द्वारा पढ़ी गई तंत्र क्रिया किस तरह से अजय देवगन और एक धार्मिक परिवार की जिंदगी में भूचाल ले आती है ये दर्शाया गया है। एक छोटा सा टीजर निश्चित तौर पर आपको इस फिल्म को थिएटर की तरफ जरूर खींच कर लाएगा। सुपरनेचुरल फिल्म शैतान के इस टीजर के साथ ही अजय देवगन ने अपने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, वो पूछेगा तुमसे एक खेल खेलोगे पर उसके बहकावे में मत आना। आपको बता दे कि अजय देवगन और आर माधवन के बीच अच्छाई और बुराई की लड़ाई देखने को फैंस को मिलेगी। फिल्म के निर्देशन की कमान विकास बहल ने संभाली है। ये मूवी 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। शैतान के चंगुल से अपनी बेटी को छुड़ाने आ रहे अजय देवगन आर माधवन से होगा सामना। ट्रेलर देख डर से छूट जाएंगे पसीने। एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म शैतान को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। फिल्म के पोस्टर रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त बज़ था और आज मेकर्स ने ऑडियंस के उत्साह को बढ़ाते हुए फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। खौफ से भरा शैतान का ट्रेलर देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजय देवगन ज्योतिका की इस फिल्म में आर माधवन शैतान का किरदार निभाने वाले हैं।
फिल्म के ट्रेलर से काफी हद तक फिल्म की कहानी का खुलासा हो जाता है। शैतान यानी आर माधवन अजय देवगन के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और फिर वो उनके परिवार पर कहर बरपाते हैं। आर माधवन अजय देवगन की बेटी जानवी को वशीकरण की मदद से अपने काबू में कर लेते हैं। अब अजय देवगन और ज्योतिका की बेटी बिना सोचे समझे आर माधवन के इशारे पर हर वो चीज करने के लिए तैयार रहती है जो शैतान उससे कहता है। शैतान कृष्णदेव यंगिक द्वारा निर्देशित गुजराती हॉरर थ्रिलर वर्ष की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। अहमदाबाद के एक पायलट अथर्व अपनी पत्नी बीना और अपने दो बच्चों आर्या और अंश के साथ रहते हैं। ये एक दूर दराज के गांव में छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति प्रताप से होती है जो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। प्रताप मदद की पेशकश करता है लेकिन वो अथर्व के परिवार को फंसाने के लिए काला जादू का इस्तेमाल करता है और अथर्व अपने परिवार को बचाने के लिए काला जादू तोड़ने की कोशिश करता है। विकास बहल के निर्देशन में बनी ये फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से ज्योतिका काफी लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है। अजय देवगन ने शैतान के टीजर के साथ दी चेतावनी, बात नहीं मानी तो घट सकती है ऐसी घटना। अजय देवगन 2024 में अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट का फुल डोज देने वाले हैं। सिंघम अगेन से लेकर रेड 2 और मैदान जैसी उनकी कई बड़ी फिल्मों का फैंस स्क्रीन पर आने का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। इस लिस्ट में उनकी एक और फिल्म शामिल हो गई है जिसका टाइटल है शैतान। बड़े पर्दे पर अपना दमदार एक्शन और कॉमेडी दिखा चुके बॉलीवुड सुपरस्टार शैतानी शक्तियों से अपने परिवार के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। शैतान के दो पोस्टर्स के बाद इसकी पहली झलक का इंतजार कर रहे फैंस का अब इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि उनके फिल्म का रोंगटे खड़े करने वाला टीजर फाइनली दर्शकों के सामने आ चुका है। हालांकि शैतान के इस धमाकेदार टीजर के साथ ही अजय देवगन ने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। अजय देवगन के साथ इस सुपरनेचुरल थ्रिलर में पहली बार आर माधवन और साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका की जोड़ी फैंस को देखने को मिलेगी। शैतान का 1 मिनट 29 सेकेंड का ये डराने वाली टीजर आपके रोंगटे तो खड़े कर ही देगा लेकिन इसे देखने के बाद निश्चित तौर से आप अपनी कुर्सी पर कसकर बैठे रहेंगे। अजय देवगन आर माधवन की टीजर की शुरुआत होती है एक राक्षस की मूर्ति के साथ जिसमें पीछे वॉइस ओवर चलता है जिसमें शैतान कहता है, कहते हैं ये पूरी दुनिया बहरी है लेकिन सुनती सिर्फ मेरी है। काले से भी काला में बहकाने का प्याला में तंत्र से लेकर श्लोक का मालिक हूँ मैं 9 लोक का। इसी के साथ टीजर आगे बढ़ता है और उसमें आर माधवन द्वारा पढ़ी गई तंत्र क्रिया किस तरह से अजय देवगन और एक धार्मिक परिवार की जिंदगी में भूचाल ले आती है ये दर्शाया गया है। एक छोटा सा टीजर निश्चित तौर पर आपको इस फिल्म को थिएटर की तरफ जरूर खींच कर लाएगा। सुपरनेचुरल फिल्म शैतान के इस टीजर के साथ ही अजय देवगन ने अपने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, वो पूछेगा तुमसे एक खेल खेलोगे पर उसके बहकावे में मत आना। आपको बता दे कि अजय देवगन और आर माधवन के बीच अच्छाई और बुराई की लड़ाई देखने को फैंस को मिलेगी। फिल्म के निर्देशन की कमान विकास बहल ने संभाली है। ये मूवी 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। शैतान के चंगुल से अपनी बेटी को छुड़ाने आ रहे अजय देवगन आर माधवन से होगा सामना। ट्रेलर देख डर से छूट जाएंगे पसीने। एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म शैतान को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। फिल्म के पोस्टर रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त बज़ था और आज मेकर्स ने ऑडियंस के उत्साह को बढ़ाते हुए फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। खौफ से भरा शैतान का ट्रेलर देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजय देवगन ज्योतिका की इस फिल्म में आर माधवन शैतान का किरदार निभाने वाले है। फिल्म के ट्रेलर से काफी हद तक फिल्म की कहानी का खुलासा हो जाता है। शैतान यानी आर माधवन अजय देवगन के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और फिर वो उनके परिवार पर कहर बरपाते हैं। आर माधवन अजय देवगन की बेटी जानवी को वशीकरण की मदद से अपने काबू में कर लेते हैं। अब अजय देवगन और ज्योतिका की बेटी बिना सोचे समझे आर माधवन के इशारे पर हर वो चीज करने के लिए तैयार रहती है जो शैतान उससे कहता है। शैतान कृष्णदेव यंगिक द्वारा निर्देशित गुजराती हॉरर थ्रिलर वर्ष की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। अहमदाबाद के एक पायलट अथर्व अपनी पत्नी बीना और अपने दो बच्चों आर्या और अंश के साथ रहते हैं। ये एक
दूर दराज के गांव में छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति प्रताप से होती है जो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। प्रताप मदद की पेशकश करता है लेकिन वो अथर्व के परिवार को फंसाने के लिए काला जादू का इस्तेमाल करता है और अथर्व अपने परिवार को बचाने के लिए काला जादू तोड़ने की कोशिश करता है। विकास बहल के निर्देशन में बनी ये फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से ज्योतिका काफी लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है। जी मैम जी, मैं नीतू सिंह दैनिक भास्कर से यहाँ पे सर। पहले तो टीम को बहुत बधाई, काफ़ी डरावना और अलग ये ट्रेलर देखा हमने, बहुत ही अलग कहानी है। सो मेरा पहला सवाल कुमार जी से होगा कि इस तरह की अलग कहानी के लिए आपने स्क्रिप्ट की तैयारी, फिल्म की पूरी स्टार कास्ट तो आपने बता ही दिया है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल अलग है, इसके पीछे क्या सोच रही, क्यों आपने सोचा कि शैतान को सीधे घर में पहुंचाया जाए? पहला सवाल तो ये होगा। और दूसरा, आपकी फ़िल्म की दृश्यम की फ्रेंचाइजी आपने बनाई है, रेड 2 की फ्रेंचाइजी आपने बनाई है, क्या शैतान की भी फ्रेंचाइजी आप बनाना चाहेंगे आगे? ये दो सवाल मेरे होंगे आपसे। अजय सर और हमारे बीच में काफ़ी टाइम से ये बात हो रही थी कि कोई सुपर नेचर हॉरर अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो करते हैं। तो हम लोग अपना भोपाल में शूट कर रहे थे तो अजय जी से मैंने जैसे इस फिल्म के बारे में डिस्कस किया, उन्होंने बोला लेट्स हम इसको मिलकर इमीडिएट पिक्चर को बनाते हैं। और इमीडिएट हम लोगों ने कास्टिंग प्रैक्टिकली 40 दिन के अंदर पूरी पिक्चर माउंट हुई है और हमने एटेस्ट टाइज जाके ये शूट की है। और डेफिनेटली फिल्म बहुत अच्छी बनी है और इसका पार्ट 2 भी ऑलरेडी हमारे दिमाग में है। अजय जी ऑन योर लेफ्ट, हाई लेफ्ट एंड ऊपर। अजय जी, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे आपके दोस्त हैं, तो कोई ऐसा शैतान दोस्त जिसे जो आपको बहुत परेशान करता है लेकिन आप उसका कुछ नहीं कर पाते? नहीं, ऐसा कोई इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं करता, लेकिन सभी के सभी शैतान है और होना भी चाहिए। क्योंकि आपको सवाल ये पूछना चाहिए था कि कौन ऐसा है जो शैतान नहीं है। अच्छा, क्योंकि शैतानों की लिस्ट बहुत लंबी है। कोई एक आप जिसका नाम लेना चाहें? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, सब शैतान है। मुझे लगता है आप भी शैतान है। नहीं, मैं तो बचपन से। एंड ऐसी कोई पर्सनालिटी जो जिसे आप अपने कंट्रोल में करना चाहें एंड जिससे आपका बहुत फायदा हो? नहीं भाई, ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपने कंट्रोल में करना चाहूँ। हेलो, दिस इज जया हियर फ्रॉम बॉलीवुड नाउ। अभिषेक, माई क्वेश्चन इज टू यू द सेम। Left, yeah. So we have seen you directing in Drishyam. When can we see you again directing? Like, which genre are you going to do next? Drishyam will happen when it's ready on paper, the part 3. And abhi to filhal main kuch likh raha hu, already khatam ho gayi. So I think hopefully this year I'll be directing my next. Okay, Ajay sir, my question is to you also. आपका क्या बिलीफ होता है जादू टोना में और ये ब्लैक मैजिक्स में? आई थिंक इसका जवाब मैंने पहले भी दिया है कि मुझे भी कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ देम आर ट्रू और यू नो आपके दिमाग के बने हुए हैं, लेकिन मुझे कोई, आई थिंक रेयरली कोई ऐसा मिला होगा जो इन चीज़ों में मानता नहीं है। आई थिंक हम जब घर से भी निकलते हैं या हमारी किसी की भी तबीयत भी ख़राब होती है तो हमारे पेरेंट्स सबसे पहले बोलते हैं नज़र लग गई किसी की या किसी ने कुछ कर दिया। सो आई थिंक दिस बिलीफ इज़ यूनानिमस एंड आई एम वन ऑफ देम, आई ऑल्सो बिलीव। आर माधवन जी इधर आपके राइट में, हाय लेफ्ट में, मधु बीबीसी हिंदी से जी। सबसे पहले तो ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, कमाल का है। मेरा सवाल आपसे है कि आपने अलग अलग तरह के किरदार किए हैं और हर किरदार में आपने हम सबको एंटरटेन किया, बट इस किरदार में आपने डरा दिया, लाइक जो ट्रेलर में हमें दिखा, किस तरह से? क्योंकि हमेशा एक आपकी इमेज रही है चार्मिंग, मैडी से शुरू होते हुए और इसके बाद, तो अपने आप को इस किरदार में देखना खुद कैसा था अनुभव? ये अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए क्योंकि जब मैंने तय किया कि ये फिल्म मैं करने वाला हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम किस लेवल तक जाने वाले हैं या किस लेवल तक लोगों को डराने की कोशिश करने वाले हैं।
एक बहुत अच्छी टीम के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा था और पहली बार मैं अजय देवगन सर के साथ काम कर रहा हूँ एंड आई कांट टेल यू व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इट हैज़ बीन एंड विद द टीम लाइक दिस कुमार जी के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बहुत आराम से और बड़े प्यार से सेट पे रहे, हमारा अच्छा देखभाल किया गया और यू नो लोकेशन सेट से ज़्यादा दूर नहीं था तो मुझे लगता था कि बहुत पीसफुल माइंड के साथ हम शूट पे गए थे पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं अपने आप को इस लेवल तक पुश कर पाऊँगा या मुझे नहीं कभी लगा कि ऐसा कुछ कर पाऊँगा जो लोग वाकई में देख के डर जाएंगे लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं ये ट्रेलर टीज़र और थोड़े तस्वीरें मेरी बीवी को दिखाई तो मुझे मतलब अलग ही नज़र से देखने लगे बिल्कुल आज भी वो बोलती है कि थोड़ा दूर से देख के बात किया करो तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत परेशानी मुझे होने वाली है इस फिल्म के बाद हाय अजय जी मेरा सवाल आपसे है हाय इधर हूँ भाव जी मेरा सवाल ये है कि जो स्त्री है उसके बाद जो हॉरर जॉनर है हॉरर या सुपरनैचुरल वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट पे आया और लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया लेकिन जब आपने काल या फिर भूत जैसी फिल्में की थी तब ये उतना पॉपुलर नहीं था और ख़ास तौर पर जो सुपरस्टार्स या स्टार्स जो भी कहते हैं वो इस पर कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे या आना नहीं चाहते थे तब आपने किया था तो वो क्या नहीं ऐसा नहीं है कि वो आना नहीं चाहते अगर कोई कमाल की स्क्रिप्ट किसी को मिलेगी तो ज़रूर क्योंकि ये जॉनर जैसे मैंने पहले भी कहा दुनिया भर में आप फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए दुनिया भर में जो हॉरर जॉनर है या जो सुपरनेचुरल जॉनर है वो बहुत चलता है और हमारे यहाँ भी पहले बहुत फिल्में बनती थी रामसेस तो बहुत फेमस थे और उनकी सारी पिक्चरें चलती भी थी चाहे उसमें स्टारकास्ट बड़ी ना हो या जो भी हो और मुझे ये जॉनर बहुत पसंद है मुझे ये जॉनर बहुत पसंद है तो मुझे काफ़ी टाइम से करना भी था और भूत जब मैंने की तो उसके बाद भूत में अप्रिसिएशन भी बहुत हुई उसके बाद कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिली नहीं जो कि यू नो सुपरनेचुरल जॉनर की और अब ये जाके मिली हाय ऑन योर लेफ्ट दिस इज नवाज कोचरा फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस दिस साइड या So I had a question for all three of y'all, Jaisa, Madhavan sir and Jyotika ma'am. You know, in the trailer we see that the parents are seeing the child suffer, you know, through the Vashikaran. I want to know that, you know, as parents in real life also, were there any moments where, you know, the story or any part of the story spilled over into your real life? It was there on your mind even after the shoot got over? No, nothing of that sort. But like Jyotika said, I mean... when you start thinking and having kids of this practically the same age, she also has, I also have. So somewhere, you know, that fear comes into your head that what if this was the situation, you were in this situation. And I think that comes across, like she said, also in the performance. But wo ek dar zarur, ek feeling zarur aati hai. Hello, sir. Okay. Myself, Parth Dave. I am from Gujarat. Sabse pehle sabko badhai. अच्छा मैं बीच में बोल नहीं मैं बोल रही थी कि इट्स द सेम आंसर इट्स द सेम ओके नहीं मैं एक्चुअली ये बोलना चाह रहा था कि अगर आप किसी इंसान की ताकत एक्चुअली महसूस करना चाहते हो ना तो कभी उनके संतान के साथ कुछ गड़बड़ होते हुए देखिए एक मतलब चाहे वो किसी भी कद का हो कोई भी हाइट का हो जितना हम मतलब अपने आप को सॉफ्ट समझता हो अगर उसके इंसान पे उसके संतान पे कुछ आ जाए ना तो रियल हीरोज़ आपको देखने को मिलेंगे और ये मैंने अपने निजी ज़िंदगी में भी देख रखा है और जो हेल्पलेसनेस होता है ना कि अगर आपके बच्चे के साथ कुछ हो जाए और आप कुछ नहीं कर पाते हो उससे ज़्यादा जो तकलीफ़ जो है हेल्पलेसनेस का जो तकलीफ़ है वो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान बेयर कर पाएगा सो यू नो व्हेन सो आई थिंक व्हेन यू सी योर ऑफस्प्रिंग इन समबडी एल्सस कंट्रोल मतलब विदाई पर हम इतना रोते हैं सोचे इस पर क्या होगा है ना तो किसी और के कंट्रोल में अगर वो जा रहा है तो यू नो यू बिकम एवर पावरफुल माई सेल्फ पार्थ दवे आई एम फ्रॉम गुजरात सबसे पहले विकास सर से लेकर जानकी तक सबको बधाई और मैंने जब वश फिल्म देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और इतना ही अच्छा इसका ट्रेलर लगा है
तो मुझे ये पूछना है अजय सर से कि वश में उसमें हितू कनोडिया हितिन कुमार थे हमारे दे आर सुपरस्टार ऑफ गुजरात आप दोनों जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो आपको वश में ऐसी कौन सी बात लगी कि जिसके ऊपर ये ज़्यादा लोगों तक एडेप्टेशन होना चाहिए कहानी का बेस बहुत स्ट्रांग था इस वजह से हमने फिल्म की और बाकी फिर हमने उसकी अपनी अडेप्टेशन करके अपने तरीके से उसको ढाला है तो बेसिकली जो कहानी और जो मैडी कह रहे थे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कि जब आपके बच्चों पर तकलीफ आ जाए और आप उसका आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है तब आप क्या करेंगे हाय दिस इज जोगेंद्र टुटेजा ऑन योर राइट ओके सो क्वेश्चन फॉर यू मैडी सो हमारी कुछ टाइम पहले बात हुई थी एंड देन यू सेड कि कॉमेडी वो है कि आप नहीं हंस रहे हो बट सामने वाला हंस रहा है इमोशन वो है कि आप नहीं रो रहे हो बट यू क्रिएट दैट सीन यहाँ पर मुझे हॉरर मूवी ऐसा ही कुछ दिख रहा है दैट आप चीखा चिल्ली नहीं कर रहे हो बट द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दैट यू आर गिविंग द काइंड ऑफ मूड दैट यू आर क्रिएटिंग मे बी दैट्स क्रिएटिंग हॉरर सो डू यू वॉन्ट टू इलेबोरेट ऑन दैट एस्पेक्ट या आई थिंक यू अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू पोर्ट्रे द कैरेक्टर करेक्टली मैंने सोचा था कि इसको ज़्यादा ओवर प्ले ना करते हुए अगर एक चार्मिंग सा बंदा बनाए और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके अगर हम उसमें वो हॉरर इंट्रोड्यूस करें तो मैं देखना चाह रहा था कि वो कैसा हो कैसा लगेगा सो दैट इज़ ट्राइंग टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल और उसके बाद जब वो यू नो फैल जाता है तो फिर डज इट रियली क्लियर क्रिएट द फियर दैट वॉज व्हाट द अटेम्प्ट वाज एग्जैक्टली एंड अ फॉलो अप क्वेश्चन फॉर जानकी है सो जानकी नाउ You have already done something like this. And then to recreate a similar emotion, I know it's all acting at the end of the day, but still, how difficult or how easy, how convenient it is eventually to relive the entire thing? I'll say yes, it was quite stressful, but maza to aaya karne mein. Okay, thank you. Hi, this is Sohail. Yahan par aapke samne. Ajay ji, on your little bit on the left side. Yeah, this is Sohail from Ancient Bollywood. सबसे पहले तो ट्रेलर इज अमेजिंग अमेजिंग बहुत ही इफेक्टिव था और यू नो दिलों की धड़कन तेज़ कर दी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि इट्स टॉकिंग अबाउट फादर एंड अ फैमिली रिलेशनशिप तो आज के युग में मतलब जब हम कह सकते हैं ये कलयुग है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हमारे बच्चों को इफेक्ट करती है तो ऐसी कोई चीज़ें जो यू नो आप अपने बच्चों में यू नो कुछ चेंजेस लाना चाहते हो बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक जैसे कि एग्जाम्पल जैसे सोशल मीडिया है और बहुत सारी मैडी ने गेमिंग के बारे में बात की जो कंट्रोल करते हैं तो इफ़ एनीवन आप लोग कुछ बताना चाहोगे कि उन्हें ऐसी कोई चीज़ हो जो आप अपने बच्चों में कुछ यू नो कंट्रोल लाना चाह रहे हो उस चीज़ से दूर रहे वो अजय जी मैडी ज्योति नहीं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा है कि बच्चों को कंट्रोल करने के लिए उनको समझाना पड़ता है समझाए बिना काम नहीं चलता और फिर वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे ये आपको देखना पड़ता है तो इस वक्त अगर स्टेज में मैं बोलूँगा कि मैं अपने बच्चों में ये बदलना चाहता हूँ तो मुझे घर जाके मार पड़ेगी तो बट जैसा कि आप कह रहे थे और मैडी कह रहे थे सोशल मीडिया हो गया गेमिंग हो गई आई थिंक ये सब एक लिमिट तक होनी चाहिए कंट्रोल में होनी चाहिए ये आई थिंक हर पेरेंट चाहता होगा या मैडी वुड यू लाइक टू से समथिंग नहीं यही यही कि हम आजकल ना फोर्सफुली नहीं कंट्रोल कर सकते बच्चों को उनको समझाना पड़ता है एक तो वो फोर्स से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को समझते तो उनके साथ बैठकर एडल्ट की तरह बात करो फिर समझाओ कि हर चीज़ जो आप पढ़ते हो सोशल मीडिया में वो ज़रूरी नहीं कि वो सही है आप बहकावे में मत आ जाओ इतनी सारी चीज़ें पहले आपकी तारीफें की जाएंगी या फिर आपकी बुराई की जाती है सब सच मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने टीम ऑफ शैतान इज हियर कांग्रेचुलेशंस The response is phenomenal. Sir, se jaise main baat kar raha tha. Maddie, sir, this one's for you. I'll start with you. You know, when you got to know about this, kya man mein sawal the, vashikaran hota hai ya nahi hota hai? And what do you believe? Do you like believe in it ya kuch experience kiya kabhi? Haan, maine toh kahi baar experience kiya hai. Jiske baare mein hum sunenge kahi baar. Lekin vashikaran jo hai, main maanta hoon ki sirf usi type ki vashikaran nahi hoti jo humne film mein dikhaya. Ji. Har roz aajkal humare saath vashikaran hota hai. सोशल मीडिया आपकी वशीकरण कर लेता है कुछ दिनों पहले आप अगर आपको याद होगा कि एक प्रोग्राम निकला था जैसे ब्लू वेल जहाँ पे टीनेजर्स अपने आप को जो है अपने काबू में नहीं रहते थे और किसी कोई और उनका माइंड कंट्रोल करता था तो मुझे लगता है कि वशीकरण हर रोज़ होता है और हमें इससे बच के रहना चाहिए और इससे कैसे बच के रहना चाहिए वो ये पिक्चर देख के आप समझ जाइए सर जितनी ये मुस्कुराहट चेहरे पे आ रही है आंखों की चमक बचने दोगे नहीं अब मुझे तो यही लग रहा है वील गेट टू नो वेन द मूवी रिलीजेस अजय सर दिस वन्स फॉर यू ऑफ कोर्स यू नो वी ऑलवेज से आपके को स्टार्स से हम कहते हैं वर्किंग विद दिस स्टॉलवर्ट हाउ वाज इट फॉर यू हाउ वाज इट वर्किंग विद दिस अमेजिंग कास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फैबुलस दे ऑल आर फैंटास्टिक एक्टर्स
and I think everybody knows that. She has outperformed everybody. Wow. Which is fabulous. This kid is damn good. And Jyotika ke baare mein sabko pata hi hai. Maddy ke baare mein sabko pata hi hai. So it was great. And jab ye, this film was more about ke, jab scenes bhi karte the, so it was coordination of all actors. Yeah. Wo itna achha baith gaya. That's, I think, what worked very well. So you're this doting father, loving husband, aur yahan wo helplessness na hum sab bhi feel kar rahe. So kahin na kahin aisa, you know, wo ideal family man jo aap ban gaye ho, uske upar kya bolna chahoge? Because we see you like that. I think it's not just about me. Koi bhi insaan jiske ek family hogi, chahe wo married ho, na married ho, biwi bachche ya behan ya maa baap, I think there is a sense of responsibility, or right. I think everybody takes responsibility for their family. Right. So maybe unme se ek hi hu. But aap bada kamal ka kar dete ho. I think wo inspire kar dete ho logon ko kuch aur karne ke liye. Jaise sir tu kya kya bol gaye yahan pe. Thank you so much. Jyotika ma'am, this one's for you. It's so good to see you here. Thank you so much. And you know, talking about this movie, the portrayal of the character that you're playing on this big screen, talk to us about that. And when you were told about this, kitne laddu khilaye the? So mujhe hindi aati hai. Ji ji bilkul. Main thoda sa apni try kar raha tha. Ji bataen. Ye apni English theek kar rahe hain. Ji. Firstly, good afternoon, Elark Vanakkam, and namaste. I think when it comes to a daughter, ek maa se badi warrior aur koi ho nahi sakti. Aur mere khud ke bacche exactly inki umar ke hai. Bilkul. Meri beti inki jaisi dikhti hai. So mujhe, I didn't have to put any effort in performing actually. Right. Bas inko dekh ke tap 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 aansu aane lagte the. Okay. To it is really a vision of a mother. Bilkul. The true vision. Aur mujhe lagta hai ki, you know, jab picture mein bhoot hota hai to itna dar nahi lagta. But jab real life mein kuch, ye ekdam reality hai, isme koi bhoot nahi hai. Bilkul. To usse zyada dar lagta hai ki ha ye humko ho sakta hai. So I think it's kafi darawna. Kafi darawna. Helplessness is what, you know, hum wo feel kar sakte hain yahan pe, is what I want to say. You want to add something to that? No, I'm just going to agree with her. Right. वो मुस्कुराहट देख रहे हो आप लोग, कुछ तो आने वाला है यहाँ पे. जानकी, दिस वन्स फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल परफॉर्मेंस. लाइक बड़े पर्दे को एकदम ऐसा और ब्राइट कर दिया आपने विद दीज पीपल, यू नो. जब ये उस फ्रेम में है, आप भी ऑफ कोर्स यू वर्क्ड इससे पहले, अच्छा काम बहुत किया है, बट दिस टाइम हाउ इज इट? वेल, इट वॉज एक्चुअली क्वाइट सरियल, क्योंकि जब मैंने पहली बार अजय सर को देखा था, माधवन सर को देखा था, ज्योतिका मैम को देखा था, आई वॉज एक्चुअली ऑस्ट्रक. अंदर से मैं बहुत घबराई हुई थी. आई वॉज लाइक कंट्रोलिंग माई सेल्फ कि नहीं, यू आर सपोज टू वर्क विद देम, यू हैव टू बी प्रोफेशनल एंड एवरीथिंग. एंड आई मैनेज्ड इट अ बिट वेल ऑन सेट, बट जैसे ही रैप हुआ, आई रश्ड टू अजय सर फॉर अ सेल्फी. सर कैन आई हैव अ सेल्फी? टू माधवन सर, सर कैन आई हैव अ सेल्फी? टू मैम, लाइक कैन आई हैव अ सेल्फी? और इन्होंने भी जो, मतलब एक जैसे सर ने बोला, एक कोऑर्डिनेशन होता है, सब होता है. एंड जैसे माधवन सर ने हेल्प की, अजय सर ने हेल्प की, ज्योतिका मैम ने हेल्प की ऑन सेट. सो इट वॉज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड आई कैन नॉट आस्क फॉर मोर देन दिस बॉलीवुड डेब्यू. लाइक थैंक यू सो मच विकास सर, रियली थैंक यू सो मच. Thank you so much, Kumar sir, Abhishek sir, Ajay sir. Thank you so much. Thank you so much for sharing that with us. And now the little rock star who's here, Angad. How does it feel to be here? Sabke saath mulaqat karna aur is kamal ki cast ke saath khade ho. Thoda sa batao. It's nice, and I'll give my feedback about how to work. How was it working with them? Ajay sir was nice. He was friendly. I love the way you're standing. Ek to wo full swag hai, bro. Zordar taaliyan for Angad, ladies and gentlemen. Ji, ho jaye. Yo, bro. Ajay sir was nice. He was friendly. Madhavan sir was also nice. He was friendly. Yeah. And we were shooting in London, and there was nobody to play with. Not in the hotel, not on the set, no one. But you were eating all the time. Where did you have the time to play? कुछ और चीज़ है वो. Then Jyotika aunty's son was visiting, and she called me for a play date. So I met Dev bhaiya and Yog bhaiya. It was fun. We went in the lawn. We played football. Yeah. And with Janki Didi, we went to almost every landmark in London. So it was fun. अजय देवगन ने शैतान के टीजर के साथ दी चेतावनी, बात नहीं मानी तो घट सकती है ऐसी घटना. अजय देवगन 2024 में अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट का
फुल डोज देने वाले हैं। सिंघम अगेन से लेकर रेड 2 और मैदान जैसी उनकी कई बड़ी फिल्मों का फैंस स्क्रीन पर आने का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। इस लिस्ट में उनकी एक और फिल्म शामिल हो गई है जिसका टाइटल है शैतान। बड़े पर्दे पर अपना दमदार एक्शन और कॉमेडी दिखा चुके बॉलीवुड सुपरस्टार शैतानी शक्तियों से अपने परिवार के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। शैतान के दो पोस्टर्स के बाद इसकी पहली झलक का इंतजार कर रहे फैंस का अब इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि उनकी फिल्म का रोंगटे खड़े करने वाला टीजर फाइनली दर्शकों के सामने आ चुका है। हालांकि शैतान के इस धमाकेदार टीजर के साथ ही अजय देवगन ने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। अजय देवगन के साथ इस सुपरनैचुरल थ्रिलर में पहली बार आर माधवन और साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका की जोड़ी फैंस को देखने को मिलेगी। शैतान का 1 मिनट 29 सेकंड का ये डराने वाली टीजर आपके रोंगटे तो खड़े कर ही देगा, लेकिन इसे देखने के बाद निश्चित तौर से आप अपनी कुर्सी पर कसकर बैठे रहेंगे। अजय देवगन आर माधवन की टीजर की शुरुआत होती है एक राक्षस की मूर्ति के साथ, जिसमें पीछे वॉइस ओवर चलता है जिसमें शैतान कहते हैं ये पूरी दुनिया बहरी है लेकिन सुनती सिर्फ मेरी है, काले से भी काला में, बहकाने का प्याला में, तंत्र से लेकर श्लोक का मालिक हूँ मैं 9 लोक का। इसी के साथ टीजर आगे बढ़ता है और उसमें आर माधवन द्वारा पढ़ी गई तंत्र क्रिया किस तरह से अजय देवगन और एक धार्मिक परिवार की जिंदगी में भूचाल ले आती है ये दर्शाया गया है। एक छोटा सा टीजर निश्चित तौर पर आपको इस फिल्म को थिएटर की तरफ जरूर खींच कर लाएगा। सुपर नेचुरल फिल्म शैतान के इस टीजर के साथ ही अजय देवगन ने अपने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, वो पूछेगा तुमसे एक खेल खेलोगे पर उसके बहकावे में मत आना। आपको बता दे कि अजय देवगन और आर माधवन के बीच अच्छाई और बुराई की लड़ाई देखने को फैंस को मिलेगी। फिल्म के निर्देशन की कमान विकास बहल ने संभाली है। ये मूवी 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। शैतान के चंगुल से अपनी बेटी को छुड़ाने आ रहे अजय देवगन आर माधवन से होगा सामना। ट्रेलर देख डर से छूट जाएंगे पसीने। एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म शैतान को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। फिल्म के पोस्टर रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त बस था और आज मेकर्स ने ऑडियंस के उत्साह को बढ़ाते हुए फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। खौफ से भरा शैतान का ट्रेलर देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजय देवगन ज्योतिका की इस फिल्म में आर माधवन शैतान का किरदार निभाने वाले है। फिल्म के ट्रेलर से काफी हद तक फिल्म की कहानी का खुलासा हो जाता है। शैतान यानी आर माधवन अजय देवगन के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और फिर वो उनके परिवार पर कहर बरपाते हैं। आर माधवन अजय देवगन की बेटी जानवी को वशीकरण की मदद से अपने काबू में कर लेते हैं। अब अजय देवगन और ज्योतिका की बेटी बिना सोचे समझे आर माधवन के इशारे पर हर वो चीज करने के लिए तैयार रहती है जो शैतान उससे कहता है। शैतान कृष्णदेव यंगिक द्वारा निर्देशित गुजराती हॉरर थ्रिलर वर्ष की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। अहमदाबाद के एक पायलट अथर्व अपनी पत्नी बीना और अपने दो बच्चों आर्या और अंश के साथ रहते हैं। ये एक दूर दराज के गांव में छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति प्रताप से होती है जो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। प्रताप मदद की पेशकश करता है लेकिन वो अथर्व के परिवार को फंसाने के लिए काला जादू का इस्तेमाल करता है और अथर्व अपने परिवार को बचाने के लिए काला जादू तोड़ने की कोशिश करता है। विकास बहल के निर्देशन में बनी ये फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से ज्योतिका काफी लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है। अजय देवगन ने शैतान के टीजर के साथ दी चेतावनी, बात नहीं मानी तो घट सकती है ऐसी घटना। अजय देवगन 2024 में अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट का फुल डोज देने वाले हैं। सिंघम अगेन से लेकर रेड 2 और मैदान जैसी उनकी कई बड़ी फिल्मों का फैंस स्क्रीन पर आने का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। इस लिस्ट में उनकी एक और फिल्म शामिल हो गई है जिसका टाइटल है शैतान। बड़े पर्दे पर अपना दमदार एक्शन और कॉमेडी दिखा चुके बॉलीवुड सुपरस्टार शैतानी शक्तियों से अपने परिवार के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। शैतान के दो पोस्टर्स के बाद इसकी पहली झलक का इंतजार कर रहे फैंस का अब इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि उनकी फिल्म का रोंगटे खड़े करने वाला टीजर फाइनली दर्शकों के सामने आ चुका है।
हालांकि शैतान के इस धमाकेदार टीजर के साथ ही अजय देवगन ने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। अजय देवगन के साथ इस सुपरनैचुरल थ्रिलर में पहली बार आर माधवन और साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका की जोड़ी फैंस को देखने को मिलेगी। शैतान का 1 मिनट 29 सेकंड का ये डराने वाली टीजर आपके रोंगटे तो खड़े कर ही देगा, लेकिन इसे देखने के बाद निश्चित तौर से आप अपनी कुर्सी पर कसकर बैठे रहेंगे। अजय देवगन आर माधवन की टीजर की शुरुआत होती है एक राक्षस की मूर्ति के साथ, जिसमें पीछे वॉइस ओवर चलता है, जिसमें शैतान कहते हैं ये पूरी दुनिया बहरी है, लेकिन सुनती सिर्फ मेरी है। काले से भी काला में, बहकाने का प्याला में, तंत्र से लेकर श्लोक का मालिक हूँ मैं 9 लोक का। इसी के साथ टीजर आगे बढ़ता है और उसमें आर माधवन द्वारा पढ़ी गई तंत्र क्रिया किस तरह से अजय देवगन और एक धार्मिक परिवार की जिंदगी में भूचाल ले आती है ये दर्शाया गया है। एक छोटा सा टीजर निश्चित तौर पर आपको इस फिल्म को थिएटर की तरफ जरूर खींच कर लाएगा। सुपर नेचुरल फिल्म शैतान के इस टीजर के साथ ही अजय देवगन ने अपने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, वो पूछेगा तुमसे एक खेल खेलोगे, पर उसके बहकावे में मत आना। आपको बता दे कि अजय देवगन और आर माधवन के बीच अच्छाई और बुराई की लड़ाई देखने को फैंस को मिलेगी। फिल्म के निर्देशन की कमान विकास बहल ने संभाली है। ये मूवी 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। शैतान के चंगुल से अपनी बेटी को छुड़ाने आ रहे अजय देवगन आर माधवन से होगा सामना। ट्रेलर देख डर से छूट जाएंगे पसीने। एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म शैतान को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। फिल्म के पोस्टर रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त बस था और आज मेकर्स ने ऑडियंस के उत्साह को बढ़ाते हुए फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। खौफ से भरा शैतान का ट्रेलर देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजय देवगन ज्योतिका की इस फिल्म में आर माधवन शैतान का किरदार निभाने वाले है। फिल्म के ट्रेलर से काफी हद तक फिल्म की कहानी का खुलासा हो जाता है। शैतान यानी आर माधवन अजय देवगन के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और फिर वो उनके परिवार पर कहर बरपाते हैं। आर माधवन अजय देवगन की बेटी जानवी को वशीकरण की मदद से अपने काबू में कर लेते हैं। अब अजय देवगन और ज्योतिका की बेटी बिना सोचे समझे आर माधवन के इशारे पर हर वो चीज करने के लिए तैयार रहती है जो शैतान उससे कहता है। शैतान कृष्णदेव यंगिक द्वारा निर्देशित गुजराती हॉरर थ्रिलर वर्ष की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। अहमदाबाद के एक पायलट अथर्व अपनी पत्नी बीना और अपने 2 बच्चों आर्या और अंश के साथ रहते हैं। ये एक दूर दराज के गांव में छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति प्रताप से होती है जो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। प्रताप मदद की पेशकश करता है, लेकिन वो अथर्व के परिवार को फंसाने के लिए काला जादू का इस्तेमाल करता है और अथर्व अपने परिवार को बचाने के लिए काला जादू तोड़ने की कोशिश करता है। विकास बहल के निर्देशन में बनी ये फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से ज्योतिका काफी लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है। अजय देवगन ने शैतान के टीजर के साथ दी चेतावनी, बात नहीं मानी तो घट सकती है ऐसी घटना। अजय देवगन 2024 में अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट का फुल डोज देने वाले हैं। सिंघम अगेन से लेकर रेड 2 और मैदान जैसी उनकी कई बड़ी फिल्मों का फैंस स्क्रीन पर आने का बड़े ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। इस लिस्ट में उनकी एक और फिल्म शामिल हो गई है जिसका टाइटल है शैतान। बड़े पर्दे पर अपना दमदार एक्शन और कॉमेडी दिखा चुके बॉलीवुड सुपरस्टार शैतानी शक्तियों से अपने परिवार के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। शैतान के 2 पोस्टर्स के बाद इसकी पहली झलक का इंतजार कर रहे फैंस का अब इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि उनकी फिल्म का रोंगटे खड़े करने वाला टीजर फाइनली दर्शकों के सामने आ चुका है। हालांकि शैतान के इस धमाकेदार टीजर के साथ ही अजय देवगन ने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। अजय देवगन के साथ इस सुपरनैचुरल थ्रिलर में पहली बार आर माधवन और साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका की जोड़ी फैंस को देखने को मिलेगी। शैतान का 1 मिनट 29 सेकंड का ये डराने वाली टीजर आपके रोंगटे तो खड़े कर ही देगा, लेकिन इसे देखने के बाद निश्चित तौर से आप अपनी कुर्सी पर कसकर बैठे रहेंगे। अजय देवगन आर माधवन की टीजर की शुरुआत होती है एक राक्षस की मूर्ति के साथ, जिसमें पीछे वॉइस ओवर चलता है, जिसमें शैतान कहता है
कहते हैं ये पूरी दुनिया बहरी है लेकिन सुनती सिर्फ मेरी है। काले से भी काला में बहकाने का प्याला में, तंत्र से लेकर श्लोक का मालिक हूँ मैं नौ लोक का। इसी के साथ टीजर आगे बढ़ता है और उसमें आर माधवन द्वारा पढ़ी गई तंत्र क्रिया किस तरह से अजय देवगन और एक धार्मिक परिवार की जिंदगी में भूचाल ले आती है ये दर्शाया गया है। एक छोटा सा टीजर निश्चित तौर पर आपको इस फिल्म को थिएटर की तरफ जरूर खींच कर लाएगा। सुपर नेचुरल फिल्म शैतान के इस टीजर के साथ ही अजय देवगन ने अपने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, वो पूछेगा तुमसे एक खेल खेलोगे पर उसके बहकावे में मत आना। आपको बता दे कि अजय देवगन और आर माधवन के बीच अच्छाई और बुराई की लड़ाई देखने को फैंस को मिलेगी। फिल्म के निर्देशन की कमान विकास बहल ने संभाली है। ये मूवी 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। शैतान के चंगुल से अपनी बेटी को छुड़ाने आ रहे अजय देवगन आर माधवन से होगा सामना। ट्रेलर देख डर से छूट जाएंगे पसीने। एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म शैतान को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। फिल्म के पोस्टर रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त बस था और आज मेकर्स ने ऑडियंस के उत्साह को बढ़ाते हुए फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। खौफ से भरा शैतान का ट्रेलर देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजय देवगन ज्योतिका की इस फिल्म में आर माधवन शैतान का किरदार निभाने वाले है। फिल्म के ट्रेलर से काफी हद तक फिल्म की कहानी का खुलासा हो जाता है। शैतान यानी आर माधवन अजय देवगन के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और फिर वो उनके परिवार पर कहर बरपाते हैं। आर माधवन अजय देवगन की बेटी जानवी को वशीकरण की मदद से अपने काबू में कर लेते हैं। अब अजय देवगन और ज्योतिका की बेटी बिना सोचे समझे आर माधवन के इशारे पर हर वो चीज करने के लिए तैयार रहती है जो शैतान उससे कहता है। शैतान कृष्णदेव यंगिक द्वारा निर्देशित गुजराती हॉरर थ्रिलर वर्ष की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। अहमदाबाद के एक पायलट अथर्व अपनी पत्नी बीना और अपने दो बच्चों आर्या और अंश के साथ रहते हैं। ये एक दूर दराज के गांव में छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति प्रताप से होती है जो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। प्रताप मदद की पेशकश करता है लेकिन वो अथर्व के परिवार को फंसाने के लिए काला जादू का इस्तेमाल करता है और अथर्व अपने परिवार को बचाने के लिए काला जादू तोड़ने की कोशिश करता है। विकास बहल के निर्देशन में बनी ये फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से ज्योतिका काफी लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है। अजय देवगन ने शैतान के टीजर के साथ दी चेतावनी, बात नहीं मानी तो घट सकती है ऐसी घटना। अजय देवगन 2024 में अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट का फुल डोज देने वाले हैं। सिंघम अगेन से लेकर रेड 2 और मैदान जैसी उनकी कई बड़ी फिल्मों का फैंस स्क्रीन पर आने का बड़े ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। इस लिस्ट में उनकी एक और फिल्म शामिल हो गई है जिसका टाइटल है शैतान। बड़े पर्दे पर अपना दमदार एक्शन और कॉमेडी दिखा चुके बॉलीवुड सुपरस्टार शैतानी शक्तियों से अपने परिवार के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। शैतान के दो पोस्टर्स के बाद इसकी पहली झलक का इंतजार कर रहे फैंस का अब इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि उनकी फिल्म का रोंगटे खड़े करने वाला टीजर फाइनली दर्शकों के सामने आ चुका है। हालांकि शैतान के इस धमाकेदार टीजर के साथ ही अजय देवगन ने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। अजय देवगन के साथ इस सुपर नेचुरल थ्रिलर में पहली बार आर माधवन और साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका की जोड़ी फैंस को देखने को मिलेगी। शैतान का 1 मिनट 29 सेकेंड का ये डराने वाली टीजर आपके रोंगटे तो खड़े कर ही देगा लेकिन इसे देखने के बाद निश्चित तौर से आप अपनी कुर्सी पर कसकर बैठे रहेंगे। अजय देवगन आर माधवन की टीजर की शुरुआत होती है एक राक्षस की मूर्ति के साथ जिसमें पीछे वॉइस ओवर चलता है जिसमें शैतान कहता है, कहते हैं ये पूरी दुनिया बहरी है लेकिन सुनती सिर्फ मेरी है। काले से भी काला में बहकाने का प्याला में, तंत्र से लेकर श्लोक का मालिक हूँ मैं नौ लोक का। इसी के साथ टीजर आगे बढ़ता है और उसमें आर माधवन द्वारा पढ़ी गई तंत्र क्रिया किस तरह से अजय देवगन और एक धार्मिक परिवार की जिंदगी में भूचाल ले आती है ये दर्शाया गया है। एक छोटा सा टीजर निश्चित तौर पर आपको इस फिल्म को थिएटर की तरफ जरूर खींच कर लाएगा। सुपर नेचुरल फिल्म शैतान के इस टीजर के साथ ही अजय देवगन ने अपने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा,
वो पूछेगा तुमसे एक खेल खेलोगे, पर उसके बहकावे में मत आना। आपको बता दे कि अजय देवगन और आर माधवन के बीच अच्छाई और बुराई की लड़ाई देखने को फैंस को मिलेगी। फिल्म के निर्देशन की कमान विकास बहल ने संभाली है। ये मूवी 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। शैतान के चंगुल से अपनी बेटी को छुड़ाने आ रहे अजय देवगन आर माधवन से होगा सामना। ट्रेलर देख डर से छूट जाएंगे पसीने। एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म शैतान को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। फिल्म के पोस्टर रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त बस था और आज मेकर्स ने ऑडियंस के उत्साह को बढ़ाते हुए फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। खौफ से भरा शैतान का ट्रेलर देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजय देवगन ज्योतिका की इस फिल्म में आर माधवन शैतान का किरदार निभाने वाले हैं। फिल्म के ट्रेलर से काफी हद तक फिल्म की कहानी का खुलासा हो जाता है। शैतान यानी आर माधवन अजय देवगन के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और फिर वो उनके परिवार पर कहर बरपाते हैं। आर माधवन अजय देवगन की बेटी जानवी को वशीकरण की मदद से अपने काबू में कर लेते हैं। अब अजय देवगन और ज्योतिका की बेटी बिना सोचे समझे आर माधवन के इशारे पर हर वो चीज करने के लिए तैयार रहती है जो शैतान उससे कहता है। शैतान कृष्णदेव यंगी द्वारा निर्देशित गुजराती हॉरर थ्रिलर वर्ष की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। अहमदाबाद के एक पायलट अथर्व अपनी पत्नी बीना और अपने दो बच्चों आर्या और अंश के साथ रहते हैं। ये एक दूर दराज के गांव में छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति प्रताप से होती है जो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। प्रताप मदद की पेशकश करता है लेकिन वो अथर्व के परिवार को फंसाने के लिए काला जादू का इस्तेमाल करता है और अथर्व अपने परिवार को बचाने के लिए काला जादू तोड़ने की कोशिश करता है। विकास बहल के निर्देशन में बनी ये फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से ज्योतिका काफी लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है। अजय देवगन ने शैतान के टीजर के साथ दी चेतावनी, बात नहीं मानी तो घट सकती है ऐसी घटना। अजय देवगन 2024 में अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट का फुल डोज देने वाले हैं। सिंघम अगेन से लेकर रेड 2 और मैदान जैसी उनकी कई बड़ी फिल्मों का फैंस स्क्रीन पर आने का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। इस लिस्ट में उनकी एक और फिल्म शामिल हो गई है जिसका टाइटल है शैतान। बड़े पर्दे पर अपना दमदार एक्शन और कॉमेडी दिखा चुके बॉलीवुड सुपरस्टार शैतानी शक्तियों से अपने परिवार के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। शैतान के दो पोस्टर्स के बाद इसकी पहली झलक का इंतजार कर रहे फैंस का अब इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि उनकी फिल्म का रोंगटे खड़े करने वाला टीजर फाइनली दर्शकों के सामने आ चुका है। हालांकि शैतान के इस धमाकेदार टीजर के साथ ही अजय देवगन ने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। अजय देवगन के साथ इस सुपरनेचुरल थ्रिलर में पहली बार आर माधवन और साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका की जोड़ी फैंस को देखने को मिलेगी। शैतान का 1 मिनट 29 सेकेंड का ये डराने वाली टीजर आपके रोंगटे तो खड़े कर ही देगा लेकिन इसे देखने के बाद निश्चित तौर से आप अपनी कुर्सी पर कसकर बैठे रहेंगे। अजय देवगन आर माधवन की टीजर की शुरुआत होती है एक राक्षस की मूर्ति के साथ जिसमें पीछे वॉइस ओवर चलता है जिसमें शैतान कहते हैं ये पूरी दुनिया बहरी है लेकिन सुनती सिर्फ मेरी है। काले से भी काला में बहकाने का प्याला में तंत्र से लेकर श्लोक का मालिक हूँ मैं 9 लोक का। इसी के साथ टीजर आगे बढ़ता है और उसमें आर माधवन द्वारा पढ़ी गई तंत्र क्रिया किस तरह से अजय देवगन और एक धार्मिक परिवार की जिंदगी में भूचाल ले आती है ये दर्शाया गया है। एक छोटा सा टीजर निश्चित तौर पर आपको इस फिल्म को थिएटर की तरफ जरूर खींच कर लाएगा। सुपरनेचुरल फिल्म शैतान के इस टीजर के साथ ही अजय देवगन ने अपने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, वो पूछेगा तुमसे एक खेल खेलोगे पर उसके बहकावे में मत आना। आपको बता दे कि अजय देवगन और आर माधवन के बीच अच्छाई और बुराई की लड़ाई देखने को फैंस को मिलेगी। फिल्म के निर्देशन की कमान विकास बहल ने संभाली है। ये मूवी 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। शैतान के चंगुल से अपनी बेटी को छुड़ाने आ रहे अजय देवगन आर माधवन से होगा सामना। ट्रेलर देख डर से छूट जाएंगे पसीने। एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म
शैतान को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। फिल्म के पोस्टर रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त बस था और आज मेकर्स ने ऑडियंस के उत्साह को बढ़ाते हुए फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। खौफ से भरा शैतान का ट्रेलर देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजय देवगन ज्योतिका की इस फिल्म में आर माधवन शैतान का किरदार निभाने वाले हैं। फिल्म के ट्रेलर से काफी हद तक फिल्म की कहानी का खुलासा हो जाता है। शैतान यानी आर माधवन अजय देवगन के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और फिर वो उनके परिवार पर कहर बरपाते हैं। आर माधवन अजय देवगन की बेटी जानवी को वशीकरण की मदद से अपने काबू में कर लेते हैं। अब अजय देवगन और ज्योतिका की बेटी बिना सोचे समझे आर माधवन के इशारे पर हर वो चीज करने के लिए तैयार रहती है जो शैतान उससे कहता है। शैतान कृष्णदेव यंगी द्वारा निर्देशित गुजराती हॉरर थ्रिलर वर्ष की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। अहमदाबाद के एक पायलट अथर्व अपनी पत्नी बीना और अपने दो बच्चों आर्या और अंश के साथ रहते हैं। ये एक दूर दराज के गांव में छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति प्रताप से होती है जो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। प्रताप मदद की पेशकश करता है लेकिन वो अथर्व के परिवार को फंसाने के लिए काला जादू का इस्तेमाल करता है और अथर्व अपने परिवार को बचाने के लिए काला जादू तोड़ने की कोशिश करता है। विकास बहल के निर्देशन में बनी ये फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से ज्योतिका काफी लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है। पैनोरामा स्टूडियोज की फिल्म में या आपके साथ काम करने के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड जीतना जरूरी है सर, बिकॉज यहाँ बड़े सारे नेशनल फिल्म अवार्ड है, लाइक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबको मिला है, व्हाट डू यू हैव टू से? बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे लोग जिनको नेशनल अवार्ड मिला एक साथ स्टेज पे हैं जी और फिल्म में हैं जी और सबने मुझे लगता है कि पूरी कोशिश की है इस बार नेशनल अवार्ड वापस आए। क्या बात है सर, क्या बात है। यू नो टॉकिंग अबाउट अजय सर और आपकी कोलैबोरेशन, ये तो ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं, एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर्स दिए हैं। जियो स्टूडियोज के साथ इस बार आप जो जुड़े हैं थोड़ा सा वो बताइए। ये फिल्म पहली बार पैनोरामा स्टूडियो अजय जी की कंपनी देवगन फिल्म्स के साथ मिलकर फिल्म बना रहे हैं जिसमें जियो हमारे साथ में है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि और हम आगे भी इस तरह का सेशन और फिल्मों में करने वाले हैं। आई एम श्योर। अभिषेक भाई, दिस वन्स फॉर यू, प्लीज टेल अस, सुपर नेचुरल थ्रिलर और इस लेवल पे जाके उसको बनाना, क्या चल रहा था जब शुरुआत हुई थी इस फिल्म की? आई थिंक सुपर नेचुरल थ्रिलर एक बहुत बड़ा जॉनर है जो हमारे यहाँ पे बहुत कम बनता है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ दीज ब्यूटीफुल टैलेंट राइट नाउ हु एक्चुअली जॉइन द फोर्स राइट नाउ। एंड या आई थिंक एग्जीक्यूशन तो यू हैव सीन इज ब्यूटीफुल राइट नाउ व्हाट वी डिड। आई थिंक इट्स अ जॉनर व्हिच वी एज एन इंडस्ट्री नीड्स टू ऑल टैप इन। काफी बड़ा जॉनर ऑडियंस देखना चाहती है, सो आई थिंक वी डूइंग अ गुड वर्क बाय स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी राइट नाउ विद दिस। सो आई थिंक मोर ऑफ दीज फिल्म विल बी मेड एंड आई थिंक इट्स one of my favorite genre to get into. I'm sure sir maza aane wala hai jab isse dekhenge. Now talking to the director sahab yahan pe, sir sabse pehle to mujhe batao ye aise wale kitne laddu khilane pade the is puri cast ko saath lane ke liye, because this is amazing. Kitna difficult tha ya aasan tha? I think actually I didn't cast them. I think Ajay and Kumar ji and Abhishek cast me in this one. They called me and they said do you watch horror? I said no. Do you watch dark? Let me say that. When I asked him, he says, when we spoke about the film, so he said, मुझे रात में बहुत डर लगता है, मैं horror picture देखता भी नहीं, बनाऊंगा कैसे? I said, अगर डर लगता है तो then you're the right person to make it. Right. Yeah, so I said no to all the answers and Ajay said, हाँ, correct. You're the guy to do this. So I don't know how that worked out. But I think from the time we decided to do the film to the casting, it took us by 5 days. Because the first people we thought, I mean, Janki was our obvious choice to play this character. We couldn't look anywhere else. Yeah. Maddie, we just thought, let's just approach Maddie and say, if he'll do a negative role of this proportion, you know. Because this kind of a negative role has no, because when very senior actors do negative roles, they'll have a backstory to be like that, or they'll have some other, there's nothing, this is relentless. And we approached him and he loved it and he said yes. Jyotika loved the role, she said yes. Dhruv, we had to work very hard to chase and request, and you know, then he gave us feedback on the script and everything and then we did. But I think from the point of thinking of making the film to casting was, I think, 4 to 5 days. Right. And I think in 40 days we were on the floor, right, Kumarji? Yes. 40 days we were on the floor.
And I think it just worked so, like Ajay was saying, so beautiful as teamwork. Right. We were there. We used to go in the morning. We used to read the scenes together. Hmm. Because we had to shoot this film linear, which I've never done before. Because we could not miss even one beat to go to the next one. Because we knew, we needed to know what are we feeling that day to be able to go next day. There was just one day where we went and shot one little moment, which was supposed to be shot later. Yeah. And we realized it's not working because that emotion had to just flow dot by dot. Right, right. So I think we all came together really well. We had a great time. And I'm still not going to watch horror. Even after this, he's not going to watch that. But we are definitely going to watch this movie. Jab ye release hogi, 8th ko. Or filhal, I know you have a lot of questions. Of course, we have the wonderful people from across the country. Aap sab ke sawal lunga, lekin usse pehle it's time for a quick photo op with this team. To ho jaye. मैं चाहती हूँ आप सभी लोग कागज बाहर निकालेंगे. कीप द पेपर इन योर हैंड. एनवेलप को नीचे स्टेज पे छोड़ दीजिए. ये पेपर के ऊपर एक नंबर लिखा है. कैन यू शो दैट नंबर टू एवरीबडी इन द ऑडियंस. दैट्स 4-1 टैग्स. दूसरी चीज क्या चूज करी थी सर? कैन आई रिक्वेस्ट ऑल फोर ऑफ यू टू स्टैंड बिहाइंड द चेयर यू आर सिटिंग ऑन. सोहेल, आई एम गोना वॉक अप टू यू. आपके पास पूरा ऑप्शन था टू सिट ऑन एनी ऑफ द चेयर्स. एनी ऑफ द चेयर्स यू चोज दिस अगेन. व्हाई? चेंज क्यों नहीं किया? But then I just felt it like that. You felt it? I felt it. You felt it. What's the color of the paper in your hand? Blue. Kursi ke piche kaun sa color ka paper hai? You can turn and show it to me. That's a blue color chair, everybody. That's, you have a green color paper. That's a green color chair. That's an orange color chair. That's a yellow color chair, everybody. Wait. एक आखिरी चीज बिफोर आई थैंक यू एंड आस्क यू टू टेक योर सीट्स. मैं चाहती हूँ आप चारों लोग यहाँ पर आ जाएंगे. यू आर द स्टार्स राइट नाउ. सेंट टू स्टेज शोइंग द नंबर टू द ऑडियंस. दैट्स ओके. लीव दैट. 4-1. रुको ओपन मत करो. 4-1-2-3 नंबर दिखा देंगे ऑडियंस को. नंबर दिखा देंगे. सारे निर्णय इन्होंने लिए ऐसा आपको लगता है. आप स्टेज पर सबसे पहले आए थे. आपके पास 1, 2, 3, 4 में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते थे. आपने नंबर 4 सिलेक्ट किया. आपके पास ऑप्शन था कुर्सी चेंज करने का. आपने नहीं किया. आपके पास लिफाफा चेंज करने का मौका था. आई एम सॉरी अबाउट दैट. वो भी आपने नहीं किया. आपको लग रहा है कि आपने सारे निर्णय लिए हैं अपनी मर्जी से. पर आपको ऐसा कैसे लग सकता है? शैतान इज हियर. आपको पता है सारे निर्णय किसने लिए? जिसने सारे निर्णय लिए वो आपके हाथ में है. क्योंकि अगर एक भी निर्णय अलग होता तो मेरे बेटे के साथ नहीं करना. ओह माय गॉड. ओके. डर लगा सर, बहुत डर लगा. अगर अभी आप रुकिए. अगर एक भी निर्णय अलग होता, एक भी निर्णय डिफरेंट होता, तो ये जो हुआ है वो मुमकिन नहीं होता. जो होने वाला है वो इम्पॉसिबल होता. सारे निर्णय जो हमें लग रहा है हमने लिए, वो उन्होंने लिए जिसका आप, जो आपके हाथ में है. ऑन माय काउंट ऑफ 3 मैं चाहती हूँ पेपर ओपन करके आप बताएंगे उसमें क्या है. 1, 2, 3 नाउ. दैट इज शैतान. ले
थैंक यू मैम सेंटर मैम यहाँ पे देखो हाँ मेरी जगह की है इधर आप सेंटर में एक मिनट से सेंटर में आ गया लुक यार अरे धक्का मत मारो मिल जाएंगे
पूरा हाँ वही बोल रहा हूँ। हाँ सर आप भी अंदर जाओ। सर वो जो मटका है ना उधर अंदर जाइए। सर आप वो सब अंदर ही आए ना थोड़ा सा। हाँ बात बराबर है। हाँ बात सर अजय सर अजय सर एक सेकंड थोड़ा सा पीछे से क्लियर बेटा प्लीज पराग सर या अजय सर सर एक उधर फोटो नहीं होता है अच्छा बस थोड़ा सा लाइफ सर राइट सर सेंटर सेंटर अजय सर लेफ्ट में।
सर थोड़ा नीचे सर थोड़ा सेंटर में आओ ना अजय सर थोड़ा सेंटर में सर थोड़ा सेंटर में आपके पोस्टर हाँ सर सर थोड़ा नीचे अजय सर यहाँ पे अजय सर राइट सर अजय सर सेंटर अजय सर लेफ्ट में सर थोड़ा नीचे सर थोड़ा सेंटर में आओ ना अजय सर थोड़ा सेंटर में सर थोड़ा सेंटर में आपके पोस्टर सर सर थोड़ा नीचे अजय सर यहाँ पे सर सर थोड़ा सामने सर अजय सर सामने अजय सर सामने अजय सर सर अजय सर अजय सर अरे चलो मैम सेंटर में आइए मैम यहाँ 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 पे राइट साइड ज्योतिका मैम यहाँ पे सामने मैम सेंटर मैम थोड़ा सा इधर सेंटर में मैम लुक सेंटर मैम सामने मैम सेंटर मैम इधर मैम इधर मैम सेंटर मैम सेंटर में आइए मैम यहाँ 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 पे ज्योतिका मैम यहाँ पे सामने मैम सेंटर मैम थोड़ा सा इधर सेंटर में मैम लुक सेंटर मैम सामने मैम सेंटर मैम इधर मैम इधर चका तुम लोग कैमर में दूंगी है अरे थैंक यू ज़्यादा थोड़ा बोर्ड मैं थोड़ा मैम सेंटर मैम यहाँ पे देखो हाँ मेरी जगह की है इधर आप मैम लुक अब सेंटर में एक मिनट कैसे सेंटर में आ गया लुक यार अरे आज तो याद ही आ गया
अंदर आते ना यार चुपो ओ अरे सर सेंटर राइट में सर सेंटर सर थोड़ा राइट में आ जाओ सर थोड़ा राइट में थैंक यू सर 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 वेट बस बस सर लू क्या रेडी सर यहाँ पे लेफ्ट कुमार सर रुकिए कुमार सर यहाँ पे अभी सर राइट में सर थोड़ा यहाँ रुकिए थैंक यू सर। अजय देवगन ने शैतान के टीजर के साथ दी चेतावनी, बात नहीं मानी तो घट सकती है ऐसी घटना। अजय देवगन 2024 में अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट का फुल डोज देने वाले हैं। सिंघम अगेन से लेकर रेड 2 और मैदान जैसी उनकी कई बड़ी फिल्मों का फैंस स्क्रीन पर आने का बड़े ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। इस लिस्ट में उनकी एक और फिल्म शामिल हो गई है जिसका टाइटल है शैतान। बड़े पर्दे पर अपना दमदार एक्शन और कॉमेडी दिखा चुके बॉलीवुड सुपरस्टार शैतानी शक्तियों से अपने परिवार के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। शैतान के दो पोस्टर्स के बाद इसकी पहली झलक का इंतजार कर रहे फैंस का अब इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि उनकी फिल्म का रोंगटे खड़े करने वाला टीजर फाइनली दर्शकों के सामने आ चुका है। हालांकि शैतान के इस धमाकेदार टीजर के साथ ही अजय देवगन ने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। अजय देवगन के साथ इस सुपरनैचुरल थ्रिलर में पहली बार आर माधवन और साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका की जोड़ी फैंस को देखने को मिलेगी। शैतान का 1 मिनट 29 सेकंड का ये डराने वाली टीजर आपके रोंगटे तो खड़े कर ही देगा, लेकिन इसे देखने के बाद निश्चित तौर से आप अपनी कुर्सी पर कसकर बैठे रहेंगे। अजय देवगन आर माधवन की टीजर की शुरुआत होती है एक राक्षस की मूर्ति के साथ, जिसमें पीछे वॉइस ओवर चलता है जिसमें शैतान कहते हैं ये पूरी दुनिया बहरी है लेकिन सुनती सिर्फ मेरी है। काले से भी काला में, बहकाने का प्याला में, तंत्र से लेकर श्लोक का मालिक हूँ मैं 9 लोक का। इसी के साथ टीजर आगे बढ़ता है और उसमें आर माधवन द्वारा पढ़ी गई तंत्र क्रिया किस तरह से अजय देवगन और एक धार्मिक परिवार की जिंदगी में भूचाल ले आती है ये दर्शाया गया है। एक छोटा सा टीजर निश्चित तौर पर आपको इस फिल्म को थिएटर की तरफ जरूर खींच कर लाएगा। सुपरनैचुरल फिल्म शैतान के इस टीजर के साथ ही अजय देवगन ने अपने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, वो पूछेगा तुमसे एक खेल खेलोगे पर उसके बहकावे में मत आना। आपको बता दें कि अजय देवगन और आर माधवन के बीच अच्छाई और बुराई की लड़ाई देखने को फैंस को मिलेगी। फिल्म के निर्देशन की कमान विकास बहल ने संभाली है। ये मूवी 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। शैतान के चंगुल से अपनी बेटी को छुड़ाने आ रहे अजय देवगन आर माधवन से होगा सामना। ट्रेलर देख डर से छूट जाएंगे पसीने। एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म शैतान को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। फिल्म के पोस्टर रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त बस था और आज मेकर्स ने ऑडियंस के उत्साह को बढ़ाते हुए फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। खौफ से भरा शैतान का ट्रेलर देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजय देवगन ज्योतिका की इस फिल्म में आर माधवन शैतान का किरदार निभाने वाले है।
फिल्म के ट्रेलर से काफी हद तक फिल्म की कहानी का खुलासा हो जाता है। शैतान यानी आर माधवन अजय देवगन के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और फिर वो उनके परिवार पर कहर बरपाते हैं। आर माधवन अजय देवगन की बेटी जानवी को वशीकरण की मदद से अपने काबू में कर लेते हैं। अब अजय देवगन और ज्योतिका की बेटी बिना सोचे समझे आर माधवन के इशारे पर हर वो चीज करने के लिए तैयार रहती है जो शैतान उससे कहता है। शैतान कृष्णदेव यंग द्वारा निर्देशित गुजराती हॉरर थ्रिलर वर्ष की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। अहमदाबाद के एक पायलट अथर्व अपनी पत्नी बीना और अपने दो बच्चों आर्या और अंश के साथ रहते हैं। ये एक दूर दराज के गांव में छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति प्रताप से होती है जो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। प्रताप मदद की पेशकश करता है लेकिन वो अथर्व के परिवार को फंसाने के लिए काला जादू का इस्तेमाल करता है और अथर्व अपने परिवार को बचाने के लिए काला जादू तोड़ने की कोशिश करता है। विकास बहल के निर्देशन में बनी ये फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से ज्योतिका काफी लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है। अजय देवगन ने शैतान के टीजर के साथ दी चेतावनी, बात नहीं मानी तो घट सकती है ऐसी घटना। अजय देवगन 2024 में अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट का फुल डोज देने वाले हैं। सिंघम अगेन से लेकर रेड 2 और मैदान जैसी उनकी कई बड़ी फिल्मों का फैंस स्क्रीन पर आने का बड़े ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। इस लिस्ट में उनकी एक और फिल्म शामिल हो गई है जिसका टाइटल है शैतान। बड़े पर्दे पर अपना दमदार एक्शन और कॉमेडी दिखा चुके बॉलीवुड सुपरस्टार शैतानी शक्तियों से अपने परिवार के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। शैतान के दो पोस्टर्स के बाद इसकी पहली झलक का इंतजार कर रहे फैंस का अब इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि उनके फिल्म का रोंगटे खड़े करने वाला टीजर फाइनली दर्शकों के सामने आ चुका है। हालांकि शैतान के इस धमाकेदार टीजर के साथ ही अजय देवगन ने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। अजय देवगन के साथ इस सुपरनैचुरल थ्रिलर में पहली बार आर माधवन और साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका की जोड़ी फैंस को देखने को मिलेगी। शैतान का 1 मिनट 29 सेकेंड का ये डराने वाली टीजर आपके रोंगटे तो खड़े कर ही देगा लेकिन इसे देखने के बाद निश्चित तौर से आप अपनी कुर्सी पर कसकर बैठे रहेंगे। अजय देवगन आर माधवन की टीजर की शुरुआत होती है एक राक्षस की मूर्ति के साथ जिसमें पीछे वॉइस ओवर चलता है जिसमें शैतान कहते हैं ये पूरी दुनिया बहरी है लेकिन सुनती सिर्फ मेरी है। काले से भी काला में बहकाने का प्याला में तंत्र से लेकर श्लोक का मालिक हूँ मैं 9 लोक का। इसी के साथ टीजर आगे बढ़ता है और उसमें आर माधवन द्वारा पढ़ी गई तंत्र क्रिया किस तरह से अजय देवगन और एक धार्मिक परिवार की जिंदगी में भूचाल ले आती है ये दर्शाया गया है। एक छोटा सा टीजर निश्चित तौर पर आपको इस फिल्म को थिएटर की तरफ जरूर खींच कर लाएगा। सुपरनैचुरल फिल्म शैतान के इस टीजर के साथ ही अजय देवगन ने अपने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, वो पूछेगा तुमसे एक खेल खेलोगे पर उसके बहकावे में मत आना। आपको बता दे कि अजय देवगन और आर माधवन के बीच अच्छाई और बुराई की लड़ाई देखने को फैंस को मिलेगी। फिल्म के निर्देशन की कमान विकास बहल ने संभाली है। ये मूवी 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। शैतान के चंगुल से अपनी बेटी को छुड़ाने आ रहे अजय देवगन आर माधवन से होगा सामना। ट्रेलर देख डर से छूट जाएंगे पसीने। एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म शैतान को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। फिल्म के पोस्टर रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त बस था और आज मेकर्स ने ऑडियंस के उत्साह को बढ़ाते हुए फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। खौफ से भरा शैतान का ट्रेलर देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजय देवगन ज्योतिका की इस फिल्म में आर माधवन शैतान का किरदार निभाने वाले है। फिल्म के ट्रेलर से काफी हद तक फिल्म की कहानी का खुलासा हो जाता है। शैतान यानी आर माधवन अजय देवगन के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और फिर वो उनके परिवार पर कहर बरपाते हैं। आर माधवन अजय देवगन की बेटी जानवी को वशीकरण की मदद से अपने काबू में कर लेते हैं। अब अजय देवगन और ज्योतिका की बेटी बिना सोचे समझे आर माधवन के इशारे पर हर वो चीज करने के लिए तैयार रहती है जो शैतान उससे कहता है। शैतान कृष्णदेव यंग द्वारा निर्देशित गुजराती हॉरर थ्रिलर वर्ष की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। अहमदाबाद के एक पायलट अथर्व अपनी पत्नी बीना और अपने दो बच्चों आर्या और अंश के साथ रहते हैं। ये एक
दूर दराज के गांव में छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति प्रताप से होती है जो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। प्रताप मदद की पेशकश करता है लेकिन वो अथर्वा के परिवार को फंसाने के लिए काला जादू का इस्तेमाल करता है और अथर्वा अपने परिवार को बचाने के लिए काला जादू तोड़ने की कोशिश करता है। विकास बहल के निर्देशन में बनी ये फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से ज्योतिका काफी लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है। अजय देवगन ने शैतान के टीजर के साथ दी चेतावनी, बात नहीं मानी तो घट सकती है ऐसी घटना। अजय देवगन 2024 में अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट का फुल डोज देने वाले हैं। सिंघम अगेन से लेकर रेड 2 और मैदान जैसी उनकी कई बड़ी फिल्मों का फैंस स्क्रीन पर आने का बड़े ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। इस लिस्ट में उनकी एक और फिल्म शामिल हो गई है जिसका टाइटल है शैतान। बड़े पर्दे पर अपना दमदार एक्शन और कॉमेडी दिखा चुके बॉलीवुड सुपरस्टार शैतानी शक्तियों से अपने परिवार के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। शैतान के दो पोस्टर्स के बाद इसकी पहली झलक का इंतजार कर रहे फैंस का अब इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि उनके फिल्म का रोंगटे खड़े करने वाला टीजर फाइनली दर्शकों के सामने आ चुका है। हालांकि शैतान के इस धमाकेदार टीजर के साथ ही अजय देवगन ने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। अजय देवगन के साथ इस सुपरनेचुरल थ्रिलर में पहली बार आर माधवन और साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका की जोड़ी फैंस को देखने को मिलेगी। शैतान का 1 मिनट 29 सेकेंड का ये डराने वाली टीजर आपके रोंगटे तो खड़े कर ही देगा लेकिन इसे देखने के बाद निश्चित तौर से आप अपनी कुर्सी पर कसकर बैठे रहेंगे। अजय देवगन आर माधवन की टीजर की शुरुआत होती है एक राक्षस की मूर्ति के साथ जिसमें पीछे वॉइस ओवर चलता है जिसमें शैतान कहते हैं ये पूरी दुनिया बहरी है लेकिन सुनती सिर्फ मेरी है। काले से भी काला में बहकाने का प्याला में तंत्र से लेकर श्लोक का मालिक हूँ मैं 9 लोक का। इसी के साथ टीजर आगे बढ़ता है और उसमें आर माधवन द्वारा पढ़ी गई तंत्र क्रिया किस तरह से अजय देवगन और एक धार्मिक परिवार की जिंदगी में भूचाल ले आती है ये दर्शाया गया है। एक छोटा सा टीजर निश्चित तौर पर आपको इस फिल्म को थिएटर की तरफ जरूर खींच कर लाएगा। सुपरनेचुरल फिल्म शैतान के इस टीजर के साथ ही अजय देवगन ने अपने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, वो पूछेगा तुमसे एक खेल खेलोगे पर उसके बहकावे में मत आना। आपको बता दे कि अजय देवगन और आर माधवन के बीच अच्छाई और बुराई की लड़ाई देखने को फैंस को मिलेगी। फिल्म के निर्देशन की कमान विकास बहल ने संभाली है। ये मूवी 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। शैतान के चंगुल से अपनी बेटी को छुड़ाने आ रहे अजय देवगन आर माधवन से होगा सामना। ट्रेलर देख डर से छूट जाएंगे पसीने। एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म शैतान को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। फिल्म के पोस्टर रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त बस था और आज मेकर्स ने ऑडियंस के उत्साह को बढ़ाते हुए फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। खौफ से भरा शैतान का ट्रेलर देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजय देवगन ज्योतिका की इस फिल्म में आर माधवन शैतान का किरदार निभाने वाले है। फिल्म के ट्रेलर से काफी हद तक फिल्म की कहानी का खुलासा हो जाता है। शैतान यानी आर माधवन अजय देवगन के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और फिर वो उनके परिवार पर कहर बरपाते हैं। आर माधवन अजय देवगन की बेटी जानवी को वशीकरण की मदद से अपने काबू में कर लेते हैं। अब अजय देवगन और ज्योतिका की बेटी बिना सोचे समझे आर माधवन के इशारे पर हर वो चीज करने के लिए तैयार रहती है जो शैतान उससे कहता है। शैतान कृष्णदेव यंगिक द्वारा निर्देशित गुजराती हॉरर थ्रिलर वर्ष की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। अहमदाबाद के एक पायलट अथर्व अपनी पत्नी बीना और अपने दो बच्चों आर्या और अंश के साथ रहते हैं। ये एक दूर दराज के गांव में छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति प्रताप से होती है जो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। प्रताप मदद की पेशकश करता है लेकिन वो अथर्व के परिवार को फंसाने के लिए काला जादू का इस्तेमाल करता है और अथर्व अपने परिवार को बचाने के लिए काला जादू तोड़ने की कोशिश करता है। विकास बहल के निर्देशन में बनी ये फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से ज्योतिका काफी लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है। अजय देवगन ने शैतान के टीजर के साथ दी चेतावनी, बात नहीं मानी तो घट सकती है ऐसी घटना।
अजय देवगन 2024 में अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट का फुल डोज देने वाले हैं। सिंघम अगेन से लेकर रेड टू और मैदान जैसी उनकी कई बड़ी फिल्मों का फैंस स्क्रीन पर आने का बड़े ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। इस लिस्ट में उनकी एक और फिल्म शामिल हो गई है जिसका टाइटल है शैतान। बड़े पर्दे पर अपना दमदार एक्शन और कॉमेडी दिखा चुके बॉलीवुड सुपरस्टार शैतानी शक्तियों से अपने परिवार के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। शैतान के दो पोस्टर्स के बाद इसकी पहली झलक का इंतजार कर रहे फैंस का अब इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि उनकी फिल्म का रोंगटे खड़े करने वाला टीजर फाइनली दर्शकों के सामने आ चुका है। हालांकि शैतान के इस धमाकेदार टीजर के साथ ही अजय देवगन ने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। अजय देवगन के साथ इस सुपरनेचुरल थ्रिलर में पहली बार आर माधवन और साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका की जोड़ी फैंस को देखने को मिलेगी। शैतान का 1 मिनट 29 सेकेंड का ये डराने वाली टीजर आपके रोंगटे तो खड़े कर ही देगा, लेकिन इसे देखने के बाद निश्चित तौर से आप अपनी कुर्सी पर कसकर बैठे रहेंगे। अजय देवगन आर माधवन की टीजर की शुरुआत होती है एक राक्षस की मूर्ति के साथ जिसमें पीछे वॉइस ओवर चलता है जिसमें शैतान कहते हैं ये पूरी दुनिया बहरी है लेकिन सुनती सिर्फ मेरी है। काले से भी काला में बहकाने का प्याला में तंत्र से लेकर श्लोक का मालिक हूँ मैं 9 लोक का। इसी के साथ टीजर आगे बढ़ता है और उसमें आर माधवन द्वारा पढ़ी गई तंत्र क्रिया किस तरह से अजय देवगन और एक धार्मिक परिवार की जिंदगी में भूचाल ले आती है ये दर्शाया गया है। एक छोटा सा टीजर निश्चित तौर पर आपको इस फिल्म को थिएटर की तरफ जरूर खींच कर लाएगा। सुपरनेचुरल फिल्म शैतान के इस टीजर के साथ ही अजय देवगन ने अपने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, वो पूछेगा तुमसे एक खेल खेलोगे पर उसके बहकावे में मत आना। आपको बता दें कि अजय देवगन और आर माधवन के बीच अच्छाई और बुराई की लड़ाई देखने को फैंस को मिलेगी। फिल्म के निर्देशन की कमान विकास बहल ने संभाली है। ये मूवी 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। शैतान के चंगुल से अपनी बेटी को छुड़ाने आ रहे अजय देवगन आर माधवन से होगा सामना। ट्रेलर देख डर से छूट जाएंगे पसीने। एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म शैतान को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। फिल्म के पोस्टर रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त बस था और आज मेकर्स ने ऑडियंस के उत्साह को बढ़ाते हुए फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। खौफ से भरा शैतान का ट्रेलर देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजय देवगन ज्योतिका की इस फिल्म में आर माधवन शैतान का किरदार निभाने वाले है। फिल्म के ट्रेलर से काफी हद तक फिल्म की कहानी का खुलासा हो जाता है। शैतान यानी आर माधवन अजय देवगन के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और फिर वो उनके परिवार पर कहर बरपाते हैं। आर माधवन अजय देवगन की बेटी जानवी को वशीकरण की मदद से अपने काबू में कर लेते हैं। अब अजय देवगन और ज्योतिका की बेटी बिना सोचे समझे आर माधवन के इशारे पर हर वो चीज करने के लिए तैयार रहती है जो शैतान उससे कहता है। शैतान कृष्णदेव यंगिक द्वारा निर्देशित गुजराती हॉरर थ्रिलर वर्ष की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। अहमदाबाद के एक पायलट अथर्व अपनी पत्नी बीना और अपने दो बच्चों आर्या और अंश के साथ रहते हैं। ये एक दूर दराज के गांव में छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति प्रताप से होती है जो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। प्रताप मदद की पेशकश करता है लेकिन वो अथर्व के परिवार को फंसाने के लिए काला जादू का इस्तेमाल करता है और अथर्व अपने परिवार को बचाने के लिए काला जादू तोड़ने की कोशिश करता है। विकास बहल के निर्देशन में बनी ये फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से ज्योतिका काफी लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है। अजय देवगन ने शैतान के टीजर के साथ दी चेतावनी, बात नहीं मानी तो घट सकती है ऐसी घटना। अजय देवगन 2024 में अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट का फुल डोज देने वाले हैं। सिंघम अगेन से लेकर रेड टू और मैदान जैसी उनकी कई बड़ी फिल्मों का फैंस स्क्रीन पर आने का बड़े ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। इस लिस्ट में उनकी एक और फिल्म शामिल हो गई है जिसका टाइटल है शैतान। बड़े पर्दे पर अपना दमदार एक्शन और कॉमेडी दिखा चुके बॉलीवुड सुपरस्टार शैतानी शक्तियों से अपने परिवार के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। शैतान के दो पोस्टर्स के बाद इसकी पहली झलक का इंतजार कर रहे फैंस का अब इंतजार खत्म हो गया है।
क्योंकि उनकी फिल्म का रोंगटे खड़े करने वाला टीजर फाइनली दर्शकों के सामने आ चुका है। हालांकि शैतान के इस धमाकेदार टीजर के साथ ही अजय देवगन ने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। अजय देवगन के साथ इस सुपरनेचुरल थ्रिलर में पहली बार आर माधवन और साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका की जोड़ी फैंस को देखने को मिलेगी। शैतान का 1 मिनट 29 सेकंड का ये डराने वाली टीजर आपके रोंगटे तो खड़े कर ही देगा, लेकिन इसे देखने के बाद निश्चित तौर से आप अपनी कुर्सी पर कसकर बैठे रहेंगे। अजय देवगन आर माधवन की टीजर की शुरुआत होती है एक राक्षस की मूर्ति के साथ, जिसमें पीछे वॉइस ओवर चलता है, जिसमें शैतान कहते हैं ये पूरी दुनिया बहरी है लेकिन सुनती सिर्फ मेरी है। काले से भी काला में, बहकाने का प्याला में, तंत्र से लेकर श्लोक का मालिक हूँ मैं 9 लोक का। इसी के साथ टीजर आगे बढ़ता है और उसमें आर माधवन द्वारा पढ़ी गई तंत्र क्रिया किस तरह से अजय देवगन और एक धार्मिक परिवार की जिंदगी में भूचाल ले आती है ये दर्शाया गया है। एक छोटा सा टीजर निश्चित तौर पर आपको इस फिल्म को थिएटर की तरफ जरूर खींच कर लाएगा। सुपरनेचुरल फिल्म शैतान के इस टीजर के साथ ही अजय देवगन ने अपने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, वो पूछेगा तुमसे एक खेल खेलोगे पर उसके बहकावे में मत आना। आपको बता दे कि अजय देवगन और आर माधवन के बीच अच्छाई और बुराई की लड़ाई देखने को फैंस को मिलेगी। फिल्म के निर्देशन की कमान विकास बहल ने संभाली है। ये मूवी 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। शैतान के चंगुल से अपनी बेटी को छुड़ाने आ रहे अजय देवगन आर माधवन से होगा सामना। ट्रेलर देख डर से छूट जाएंगे पसीने। एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म शैतान को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। फिल्म के पोस्टर रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त बस था और आज मेकर्स ने ऑडियंस के उत्साह को बढ़ाते हुए फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। खौफ से भरा शैतान का ट्रेलर देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजय देवगन ज्योतिका की इस फिल्म में आर माधवन शैतान का किरदार निभाने वाले है। फिल्म के ट्रेलर से काफी हद तक फिल्म की कहानी का खुलासा हो जाता है। शैतान यानी आर माधवन अजय देवगन के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और फिर वो उनके परिवार पर कहर बरपाते हैं। आर माधवन अजय देवगन की बेटी जानवी को वशीकरण की मदद से अपने काबू में कर लेते हैं। अब अजय देवगन और ज्योतिका की बेटी बिना सोचे समझे आर माधवन के इशारे पर हर वो चीज करने के लिए तैयार रहती है जो शैतान उससे कहता है। शैतान कृष्णदेव यंगिक द्वारा निर्देशित गुजराती हॉरर थ्रिलर वर्ष की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। अहमदाबाद के एक पायलट अथर्व अपनी पत्नी बीना और अपने दो बच्चों आर्या और अंश के साथ रहते हैं। ये एक दूर दराज के गांव में छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति प्रताप से होती है जो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। प्रताप मदद की पेशकश करता है लेकिन वो अथर्व के परिवार को फंसाने के लिए काला जादू का इस्तेमाल करता है और अथर्व अपने परिवार को बचाने के लिए काला जादू तोड़ने की कोशिश करता है। विकास बहल के निर्देशन में बनी ये फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से ज्योतिका काफी लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है। अजय देवगन ने शैतान के टीजर के साथ दी चेतावनी, बात नहीं मानी तो घट सकती है ऐसी घटना। अजय देवगन 2024 में अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट का फुल डोज देने वाले हैं। सिंघम अगेन से लेकर रेड 2 और मैदान जैसी उनकी कई बड़ी फिल्मों का फैंस स्क्रीन पर आने का बड़े ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। इस लिस्ट में उनकी एक और फिल्म शामिल हो गई है जिसका टाइटल है शैतान। बड़े पर्दे पर अपना दमदार एक्शन और कॉमेडी दिखा चुके बॉलीवुड सुपरस्टार शैतानी शक्तियों से अपने परिवार के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। शैतान के दो पोस्टर्स के बाद इसकी पहली झलक का इंतजार कर रहे फैंस का अब इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि उनकी फिल्म का रोंगटे खड़े करने वाला टीजर फाइनली दर्शकों के सामने आ चुका है। हालांकि शैतान के इस धमाकेदार टीजर के साथ ही अजय देवगन ने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। अजय देवगन के साथ इस सुपरनेचुरल थ्रिलर में पहली बार आर माधवन और साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका की जोड़ी फैंस को देखने को मिलेगी। शैतान का 1 मिनट 29 सेकंड का ये डराने वाली टीजर आपके रोंगटे तो खड़े कर ही देगा, लेकिन इसे देखने के बाद निश्चित तौर से आप अपनी कुर्सी पर कसकर बैठे रहेंगे। अजय देवगन आर माधवन की टीजर की शुरुआत होती है एक राक्षस की मूर्ति के साथ,
जिसमें पीछे वॉइस ओवर चलता है जिसमें शैतान कहते हैं ये पूरी दुनिया बहरी है लेकिन सुनती सिर्फ मेरी है। काले से भी काला में बहकाने का प्याला में तंत्र से लेकर श्लोक का मालिक हूँ मैं नौ लोक का। इसी के साथ टीजर आगे बढ़ता है और उसमें आर माधवन द्वारा पढ़ी गई तंत्र क्रिया किस तरह से अजय देवगन और एक धार्मिक परिवार की जिंदगी में भूचाल ले आती है ये दर्शाया गया है। एक छोटा सा टीजर निश्चित तौर पर आपको इस फिल्म को थिएटर की तरफ जरूर खींच कर लाएगा। सुपर नेचुरल फिल्म शैतान के इस टीजर के साथ ही अजय देवगन ने अपने फैंस को चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, वो पूछेगा तुमसे एक खेल खेलोगे पर उसके बहकावे में मत आना। आपको बता दे कि अजय देवगन और आर माधवन के बीच अच्छाई और बुराई की लड़ाई देखने को फैंस को मिलेगी। फिल्म के निर्देशन की कमान विकास बहल ने संभाली है। ये मूवी 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। शैतान के चंगुल से अपनी बेटी को छुड़ाने आ रहे अजय देवगन आर माधवन से होगा सामना। ट्रेलर देख डर से छूट जाएंगे पसीने। एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म शैतान को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। फिल्म के पोस्टर रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त बस था और आज मेकर्स ने ऑडियंस के उत्साह को बढ़ाते हुए फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। खौफ से भरा शैतान का ट्रेलर देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजय देवगन ज्योतिका की इस फिल्म में आर माधवन शैतान का किरदार निभाने वाले है। फिल्म के ट्रेलर से काफी हद तक फिल्म की कहानी का खुलासा हो जाता है। शैतान यानी आर माधवन अजय देवगन के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और फिर वो उनके परिवार पर कहर बरपाते हैं। आर माधवन अजय देवगन की बेटी जानवी को वशीकरण की मदद से अपने काबू में कर लेते हैं। अब अजय देवगन और ज्योतिका की बेटी बिना सोचे समझे आर माधवन के इशारे पर हर वो चीज करने के लिए तैयार रहती है जो शैतान उससे कहता है। शैतान कृष्णदेव यंगिक द्वारा निर्देशित गुजराती हॉरर थ्रिलर वर्ष की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। अहमदाबाद के एक पायलट अथर्व अपनी पत्नी बीना और अपने दो बच्चों आर्या और अंश के साथ रहते हैं। ये एक दूर दराज के गांव में छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति प्रताप से होती है जो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। प्रताप मदद की पेशकश करता है लेकिन वो अथर्व के परिवार को फंसाने के लिए काला जादू का इस्तेमाल करता है और अथर्व अपने परिवार को बचाने के लिए काला जादू तोड़ने की कोशिश करता है। विकास बहल के निर्देशन में बनी ये फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से ज्योतिका काफी लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है।